हाँ अभी मेरे ख्याल से मेरा लाइव चालू हो गया है। हाँ आ जा भैया। तो ये लाइव सेशन में भैया हमने जो हमें को जो 37 क्वेश्चन मिले हैं आखिरी 6 महीने में भैया, ये इंडिया वाइल्ड फिल्म चैनल और इसी चैनल पे भैया, तो रियल एस्टेट के बारे में मैं आपको सब के सब क्वेश्चनों के भैया आंसर दूंगा कि यहाँ पे रिपेयरिंग का क्या खर्चा होता है, नोटरी का कितना खर्चा होता है भैया, यहाँ पे अगर आपके पास पैसे कम है तो कैसे बिजनेस कर सकते हैं, बैंक का लोन कैसे अप्रूव करवाए भैया, और अपना क्रेडिट स्कोर कैसे बनाए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का मैंने 37 क्वेश्चन मैंने उस चैनल पर आया उसके मैं सभी के सभी क्वेश्चनों को आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा भैया। अभी मैं खाली चेक कर रहा हूँ कि अपना लाइव कैसा आ रहा है। ठीक है हाँ, तो हमारा एक भाई है जो इंडिया में, सनी भाई, उन्होंने बता दिया कि लाइव ठीक है। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छी तरह समझाऊंगा भैया। तो पहला क्वेश्चन है भैया, सब लोग हमको पूछते हैं कि ये अभी ये मकान खरीदने के लिए क्या राइट टाइम है कनाडा अमेरिका में भैया, कभी भी पैंडेमिक है, अभी इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी चेंज हो रहा है भैया, तो ये क्या सही में ठीक समय है मकान खरीदने के लिए कि हमको रुक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस भी, हमारे इंडिया में भी रियल एस्टेट का और यहाँ का भी, मैंने क्या सीखा मकान खरीदने के लिए भाई, कोई भी टाइम है ना भैया राइट या रॉन्ग, ये इट इज़ ए वेरी बैड क्वेश्चन, क्योंकि हर टाइम राइट है अगर आपने अपना कैलकुलेशन सही किया है भैया। रियल एस्टेट में एक ही चीज़ चलता है कि अगर आपका कैलकुलेशन सही है, आपके आपके पास सही राइट अमाउंट ऑफ मनी है भैया, तो एनी टाइम इज़ राइट टाइम, आपको अच्छा डील मिल रहा है कहीं पे भी भैया, तो इवन इन द मिडल ऑफ द नाइट वो अच्छा ही टाइम है, वो टाइम से और रियल एस्टेट से उसे कोई मतलब नहीं पड़ता भैया। और मैं क्या सोचता हूँ भैया पता है, स्पेशली क्यूबेक और कैनेडा के लिए भैया, तो अभी राइट टाइम क्यों है पता है भैया, क्योंकि यहाँ पे जनवरी 2022 में नया इवेल्यूएशन आएगा, लेकिन ये सितंबर में ये सभी म्यूनिसिपल इवेल्यूएशन यानी म्यूनिसिपल सभी हाउसों की वैल्यू भैया अपडेट हो जाएगी, तो अगर आप देखेंगे अभी 2-3 महीने में भैया सभी मकानों की वैल्यू अप हो जाएगी, बताइए क्यों भैया, क्योंकि जो आपका म्यूनिसिपल इवेल्यूएशन का जो प्राइस होता है ना भैया, वो लास्ट ईयर के सेल के हिसाब से होता है, यानी कि इस ईयर का सेल के हिसाब से होगा भाई। तो इस ईयर में भैया ये पैंडेमिक के वजह से भैया इंटरेस्ट रेट इतने कम थे, मैं बताऊं 189 तक ये इंटरेस्ट रेट इतना एकदम मुफ्त में चला गया भैया, 189 पर ईयर, यानी सोचो एक बैंक आपको मुफ्त के भाव में घर बेच रहे थे भैया। एक एक मकान जो नहीं बिक रहा था उनके लिए 20-20 ऑफर आई थी भैया, हमारा एक हमारी एक अच्छी सी दोस्त है, उसने एक मकान बेचने के लिए रखा था 3,02,000 में भैया, तो उसका मकान 5,22,000 में बिचा, क्योंकि उसके मकान के लिए करीबन करीबन उसको 14 या 15 ऑफर आई थी भैया, बिडिंग वॉर हो गया था, तो ये हालत थी। तो यानी कि मकान के प्राइस से उसका देखिए 70-80% उसके प्राइस से ज़्यादा बड़ा बिका है, तो म्यूनिसिपल इवेल्यूएशन उस पर बेस होता है, यानी कि जिस मकान की वैल्यू आज $1,00,000 है भैया, तो अगले साल उसी मकान की वैल्यू म्यूनिसिपल इवेल्यूएशन में उससे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पूरा सिटी का एवरेज लेके चलते हैं भैया। तो मैं तो बोलता हूँ अभी भी इतना बुरा नहीं है, अगर आपके पास सही राइट अमाउंट ऑफ पैसे है भैया, आपके पास अच्छी सी सेट जॉब है और आपको मालूम है कि आप यहाँ पे रहने वाले हैं कैनेडा में भैया, तो मैं बोलता हूँ अगर आपने 5-10 हज़ार बैंक में रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो भी आपको यहाँ पे कैनेडा में और अमरीका में रहते हैं उनको तो मालूम होता है भैया, यहाँ पे चेकिंग अकाउंट में $1 भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भैया। स्टॉक मार्केट अभी इतना वॉलेटाइल है भैया, मैंने खुद के मैं आपको बताता हूँ मेरा स्टॉक कितना डाउन है आज का मैं बताता हूँ, खाली ये याहू फाइनेंस की मैं बताता हूँ, मैं अपना होल्डिंग्स नहीं दिखाता हूँ, ये देखिए मैं अपना होल्डिंग्स नहीं दिखाता हूँ, मैं उसको छुपा के देख रहा हूँ, आज का देखिए भैया खाली आज का देख रहा है भैया, 9,001,000 इतना सारा डाउन है, यानी कि वॉलेटिलिटी इटली हाई है स्टॉक मार्केट में। मैं बोलता हूँ कि आपके पास अगर 5-10-15 हज़ार है भैया, उसको पकड़ के बैठ जाइए, स्टॉक मार्केट से तो दूर रहिए भैया, रियल एस्टेट एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है, अगर आप देखिए आखिरी 10-15-20 सालों का रिकॉर्ड भैया, 3% हर साल ऊपर चढ़ता ही जा रहा है भैया, तो मैं तो बोलता हूँ ये राइट टाइम है भैया, आप नेगोशिएट बराबर कीजिए, और मेरा एक ही टैक्टिक्स है, मैं हमेशा ऑफर पे ऑफर देता ही रहता हूँ भैया, अपना ही भाव पकड़ के रखने का, सामने वालों को जरा भी लिफ्ट नहीं देने का भैया, आपका 15 ऑफर फेल हो जाए तो भी डिस्करेज नहीं होने का, आपको वही ऑफर पकड़ना है कि जिसमें आपको 2 पैसे मिले, यानी कि ये अभी मकान खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, अगर आपके पास राइट टाइम का प्रॉपर्टी है, राइट टाइम राइट अमाउंट ऑफ मनी है, 5 या 10% आपके पास है बैंक में भैया, और एक प्रॉपर्टी आपको मकान यानी ओवरऑल वैल्यू से सस्ते भाव में मिल रहा है भैया, और डोंट फॉरगेट यू आर मेकिंग प्रॉफिट व्हेन यू आर बाइंग है, जब सेल करने जाओगे तो आप पैसे नहीं बनाते हो, यानी बाइंग पे ही आपको बहुत ही लो जाना है भैया।
तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर दो पे आता हूँ भैया, कि अभी यहाँ पे कनाडा में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है बैंक लोन का भैया, मैं बताता हूँ। मेरा ये आखिरी डील हुआ उसको है ना भैया 2.24 मेरे को दिया, 2.24 5 ईयर फिक्स। जब मेरा पहला डील हुआ था 179 189, जब ये कोरोना का शुरुआत हुआ, ये 5 ईयर फिक्स का बोलता हूँ भैया मैं। और ये 10 ईयर फिक्स का इंटरेस्ट रेट मेरे को 2.69 है। और ये मैं बताता हूँ जो लोग नए आए हैं इंडिया में उनको बताता हूँ, ये फिक्स और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट क्या होता है भैया। फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है कि यानी 5 साल तक आपका इंटरेस्ट रेट वही का वही रहेगा और हम वही खरीदते हैं, क्योंकि जो भी मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ मैं अब ले बेच में मानता ही नहीं हूँ भैया, आई डोंट हैव अ टाइम फॉर इट। फ्लिप करना अपना काम नहीं है भैया, ये सब कबाड़ी लोगों का काम है। मैं तो खाली बहुत ही बढ़िया रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ बढ़िया सा भैया, यानी कि अपने बाद अपना फैमिली भी उसके आराम से रह सके भैया। तो अगर आपको अच्छा सा लॉन्ग टर्म देखें ना भैया, तो 5 या 10 ईयर फिक्स लेंगे ना, तो आपको मालूम है कि आपका 5 साल तक इससे हफ्ता बढ़ने वाला है नहीं, आपको यू कैन हैव अ वेरी गुड लॉन्ग विजन। अगर आपने वेरिएबल इंटरेस्ट रेट लिया ना भैया, तो अभी आपको 1.50 1.61 ऐसे हिसाब से मिल जाएगा, आपको एक 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 टका कम मिलेगा। लेकिन यह मत भूलिए कि वेरिएबल हर महीने पे चेंज होता है, और वो जब भी आपका वेरिएबल इंटरेस्ट रेट बढ़ा भैया, तो आपका ये पूरा नफा नुकसान खा जाता है और आपका पूरा का पूरा बैलेंस हिला देगा भैया। वेरिएबल किन के लिए है बताए, जो मकान लेके अभी का भी बेचना चाहते हो भैया उनके लिए है, क्योंकि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट लेने से आपको पनिशमेंट नहीं होती है। जैसे कि हमारा 5 ईयर फिक्स है, एक प्रॉपर्टी भी हमारा 10 ईयर फिक्स है भैया, तो 10 ईयर फिक्स इंटरेस्ट रेट होगा भैया, तो हम उसको 10 ईयर्स से पहले उसको बेच दिया मकान को, तो बैंक वाले हमको पेनल्टी मारेंगे कि हमने आपको इतना बढ़िया रेट दिया था, आपने 10 साल के रेट लिया और आपने 5 साल में बेच दिया, तो हमको थोड़ा सा पेनल्टी मिलेगा भैया। लेकिन मैं बोलता हूँ भैया, अभी मकान का एप्रिसिएशन इतना हाई होता है, आपको मकान में ही आपको 25-50 हज़ार डॉलर मिल रहा है भैया, तो 3-4 हज़ार का पेनल्टी के लिए हम लोग डरते नहीं है भैया। मैं तो बोलता हूँ फिक्स लिए भैया, ताकि आपको अगर कुछ हो जाए तो आपके फैमिली वालों को भी इतना टेंशन नहीं रहे भैया, फिक्स लेने से इतना ज़्यादा है भैया। तो ये फिक्स क्या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाला है। अगर आपने कोई मकान रिनोवेशन करके बेच के तुरंत का तुरंत बेच देना भैया, तो उसको वेरिएबल लीजिए, यानी कि 1 या 2 महीने में उसका कबाड़ा कर दीजिए भैया। तो अभी अभी ये तीसरा की क्वेश्चन मैंने उसका जवाब दे दिया कि विच इंटरेस्ट रेट शुड यू टेक, आपको किस टाइप का इंटरेस्ट रेट लेना चाहिए, फिक्स लेना चाहिए नहीं तो वेरिएबल लेना चाहिए भैया। मैं तो बोलता हूँ अगर आप मेरी तरह रियल एस्टेट पे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्ड करना है तो फिक्स लीजिए, अभी उसको फ्लिप करने की सोच रहे हो नहीं तो 1 साल 2 साल 5 साल में बेचने की सोच रहे हो तो वेरिएबल लीजिए, ताकि आपका पनिशमेंट नहीं हो भैया। तो देखिए हमारे घर में कितना बढ़िया सा पेड़ पौधे लगा रखे हैं भैया। तो अभी और तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताता हूँ कि ये चौथा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी बाय, हमको किस टाइप का प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए भैया। मैं बोलता हूँ भैया, ये जैसी ये क्रिकेट का बल्ला है ना ऐसे आपको खेलना है, जैसी गेंद है ना उसको ऐसे मारना है भैया। मैं आपको बताता हूँ, मैं पर्सनली भैया मेरे को कॉन्डो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कॉन्डो में बहुत ही कम रिनोवेशन, कुछ लफड़ा वफड़ा नहीं है भैया, एक बार किराए पे दे दिया बात ख़त्म, आप अपने काम पे वो किराएदार किराए दाम के काम पे भैया, तो कुछ भी लफड़ा नहीं है। अगर आपने सिंगल फैमिली होम लिया, नहीं तो डुप्लेक्स लिया, ट्रिप्लेक्स लिया, मल्टीप्लेक्स लिया भैया, डिपेंड्स ऑन इफ इट इज़ अ ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट इफ इट इज़ अ 50 or 60 year old बिल्डिंग, ओके, स्पेशली विद द डुप्लेक्स आई हैव सीन मैनी 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 टाइम्स, देर इज अ वाटर गोइंग इन द बेसमेंट एंड देर इज अ गटर फिलेज एंड देर इज अ वॉल्स आर नॉट स्ट्रांग, इंसुलेशन इज नॉट गुड, देर इज ऑलवेज अ लिटिल प्रॉब्लम हियर एंड देयर, ओके। तो ये अगर ये डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स में आपको देखना है भैया, विंडो सभी चीज़ों का खर्चा होता है, एक विंडो का आपको 1000 रख के चलना है भैया, ये रूफ का सब आपके दिमाग पे ये टेंशन है, कुछ भी टूटा बागन आपको पैसे से पॉकेट से पैसे निकाल के तुरंत देना पड़ेगा ये डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स में भैया। कॉन्डोमिनियम में क्या, एक बार आपने महीने का कॉन्डोमिनियम का फीस दे दिया, यानी कि मेंटेनेंस फी भैया, आपको कुछ चिंता नहीं करने की, वो रूफ का भी रिपेयरिंग करेंगे, कुछ भागा टूटा वॉशिंग मशीन वॉशिंग सब का सब फिक्स कर देंगे भैया, वो आपके ना आपके एक मैनेजर जैसे वो सब देखभाल करते हैं, आपको खाली महीने का महीना किराया ले देने का भैया। तो वट टाइप प्रॉपर्टी शुड यू बाय, फॉर मी आई लाइक टू हैव अ लॉट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल प्रॉपर्टीज, ओके, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 2 लाख 5 लाख के करीब मैं उसके चक्कर में घूमता रहता हूँ, क्योंकि ये छोटी सी प्रॉपर्टी उसको किराए इसको किराए पे चलाना एकदम आसान है। आपने एकदम जंबो जेट मकान ले लिया भैया 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर का, तो ये 2 मिलियन डॉलर का मकान लेके आप किराए पे किसको देंगे भैया, सोच लीजिए।
और ये किराए पे देंगे तो आपको इतना कैश ऑन कैश फ्लो आपका बनेगा ही नहीं। तो यानी सस्ता मकान ले देंगे ना भैया आप, कोई भी अच्छे से प्राइम एरिया में, पुराना बिल्डिंग है कहीं पे भी, सस्ता मकान ले लीजिए और अच्छे किराए पे रेंट पे कर दीजिए भैया। तो छोटा सा भी बिल्डिंग हो तो ऐसा मत सोचे कि आपको वहाँ पे रहना है भैया। डोंट बी गेट फॉल इमोशंस विद द रियल एस्टेट। आपको यही सोचना है कि भैया हमारा बिल्डिंग है, हमको खाली किराया मिल रहा है। इट्स लाइक योर एम्प्लॉई, मेरा हर एक बिल्डिंग मेरा एम्प्लॉई है, मेरे को महीने का $200-$300 कैश ऑन कैश फ्लो देता है आराम से। तो वो ऐसा है भैया। तो किस टाइप का प्रॉपर्टी लेना, अगर आपके पास कुछ जॉब नहीं है, आप हैंडीमैन हो, आपको सब आइडिया आ जाता है, तो भैया डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स लीजिए। तो आपको पर डोर वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। अब पर डोर वैल्यू किसको बोलते हैं भैया, अगर आपने 4 लाख का एक मकान लिया, उसमें क्वाड्रुप्लेक्स है यानी कि चार अलग अलग मकान है, तो पर डोर यानी कि पर अपार्टमेंट का वैल्यू आपका $1 लाख हो जाएगा भैया। अगर आपने डुप्लेक्स लिया $2.5 लाख में, तो आपका पर डोर का 2.5 / 2 यानी कि पर डोर का 1.25 में हो जाएगा भैया। तो ये फायदा होता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर कॉन्डोमिनियम रहता हूँ और हर एक अपनी प्रॉपर्टी है ना भैया एक ही लोकेशन, 15 मिनट के अंतर में ही सब प्रॉपर्टी रखता हूँ प्राइम लोकेशन में भैया, क्योंकि किसी को भी बेचना है भैया तो आराम से बिक जाता है। टेनेंट का अगर आपका मेरे जैसा धीरे धीरे बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा ना भैया, तो मेरे पास बहुत सारे पोटेंशियल टेनेंट का ऑलरेडी नंबर्स है भैया, कि जिन्होंने मेरे को पूछा कि भैया अभी आपका मकान खाली है, मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं क्या उसका नंबर लिख लेता हूँ। लेकिन जब भी मेरे को उसका मालूम पड़े ना भैया, तो मैं उसको बता देता हूँ मेरा मकान खाली है, आप वहाँ पर जा सकते हो भैया। यानी कि पोटेंशियल टेनेंट का आपको एक अच्छा सा एक कस्टमर का आप डेटाबेस बन जाएगा भैया, और आपको ये रेंट पे चढ़ाना एकदम आपकी लाइफ है ना एकदम सिंपल हो जाएगी भैया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी ऐसी लीजिए कि जो आपको मैनेज कर पाए भैया, अपनी चादर हो ना इतने ही पग लंबे करिए भैया। इतना मत सोचिए कि मेरा जॉब है, ये है वो है, और मैंने ये इतना बड़ा प्लेक्स ले लिया भैया। प्लेक्स में खर्चा भी होता है और मेंटेनेंस वालों से काम करवाना, रिपेयर वालों से काम करवाना भैया इतना सरल नहीं है भैया। हम जब नए नए थे ना इस धंधे में भैया, हमने सब सब सीख लिया भैया। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो ठीक है, अगर आपने हैंडीमैन से काम करवाया ना भैया, तो वो बोलेगा इसका $600 होगा। अगर काम का शुरुआत हुआ का 600 का 1200 1200 को 1800, फिर वो तो आराम से काम करता ही रहेगा, क्योंकि उसको तो $35 पर घंटे के हिसाब से उसका मीटर घूमता है, फालतू फोकट का मटेरियल उसमें डालेगा। और यहाँ पर इनोवेशन का आपने काम खोला ना भैया, जैसे बाथरूम का हमारा एक पाइप लीकेज था भैया, तो उसमें से एक खुला तो ये भी बिगड़ गया है, वो भी बिगड़ गया है, तो अभी यहाँ पे खुला तो वो भी डाल दो भैया। तो आपका आपका बजट होगा $500 का और आपका खर्चा हो जाएगा $1800 का। इसीलिए बोलता हूँ प्रॉपर्टी ऐसी लीजिए कि जिसको आप इजीली मैनेज कर सके भैया। और कोई भी प्रॉपर्टी लीजिए ना भैया कोई भी, तो उसका इंस्पेक्शन थॉरो इंस्पेक्शन कीजिए, तो अभी जाके आपको काम लगेगा। मैं आपको आगे उसको क्वेश्चन में बताता हूँ भैया। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को सब पूछते भैया कि स्टॉक मार्केट में और बिटकॉइन में बहुत अच्छे पैसे भैया रियल एस्टेट में क्यों बनाए, क्योंकि हमारी दूसरी चैनल है इंडिया वाइल्ड फिल्म भैया, वहाँ पे हमने बिटकॉइन का वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने हमको ये डिसलाइक भी दिया था। और अभी देखिए बिटकॉइन का जब हमने वीडियो बनाया था और अभी की सिचुएशन देखिए ऑल भी डाउन जा रहा है भैया। यानी कि कई लोगों का क्या इतना एजुकेशन नहीं होता, उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, खाली वो क्या ये न्यूज़पेपर पढ़ते और बता रहे सब लोग कमा रहे तो मैं भी कमा दूंगा भैया। लेकिन मैंने पहले भी बताया ये इन्वेस्टमेंट में जो लोग सब कर रहे हैं, अगर आप वो भी करेंगे तो आप पैसे नहीं कमाएंगे कभी भी भैया। आपको जो लोग कर रहे हैं उससे उल्टा करना है भैया। जब लोग सेल कर रहे हैं तो आपको बाय करना है, और जब लोग बाय करें तो आपको सेल करना है भैया, वही उसका बिजनेस है। यानी कि स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है भैया। हमारा तो इतना बड़ा पोर्टफोलियो था, हमको तो बहुत ही अच्छा लगता था, हमने कि काफ़ी कुछ लिक्विड कर दिया भैया। लेकिन हमने ये सोच लिया है कि हमारा उसका थोड़ा कवर हो जाए, तो हम लोग कभी भी ये रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट में नहीं जाएंगे भैया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी आपके कंट्रोल में है ही नहीं भैया। यू कैन नॉट कंट्रोल, आपको खाली भगवान को प्रार्थना कर सकते हो भैया सुबह में उठ के कि हमारा ये स्टॉक मार्केट का भैया अच्छा चले। आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है भैया। आपको कोई भी कमेंट है तो मेरे को कमेंट नीचे लिखिए भैया, मैं आपको ये सभी सवालों के जवाब के बाद मैं आपकी सभी क्वेश्चनों के भी जवाब दूंगा भैया। ये लाइव हमने 1 या 2 घंटे के लिए लाइव किया है, तो और आपके अगर इस बार नहीं किया तो अगले संडे हम इसको फिर से लाइव करके बताएंगे। मेरा एक ही मेरा गोल है कि मैं कैसे करके सभी लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको हेल्प कर सकूँ भैया, क्योंकि मेरे को मालूम है भैया जब मैं यहाँ पे कनाडा में आया तो मेरे को 0 एक्सपीरियंस था यहाँ का भैया। मैंने इंडिया में खिली भी नहीं मारी थी यानी हैमर से, तो मेरे को इतना डर लगता था कि इतना पैसा डालना रियल एस्टेट में कितना बड़ा जोखिम है भैया। तो इसीलिए मैं आपको पूरा का पूरा आपको बताऊंगा।
तो स्टॉक मार्केट में क्या है बता भैया, मैं इतना पढ़ता हूँ तो भी मेरे को आखिरी 5-6 साल में मैंने एक बड़ा सा लेसन सीख लिया भैया, कितना भी आप पढ़ लो भैया, लेकिन इतना ये वन टॉप कंपनी होगी एयर कैनेडा, देखिए 45 तक चला गया, अभी 22-23 पे धक्के खा रहा है भैया। यानी कि कोई भी कंपनी का कुछ भी हो सकता है, आपका उस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं है, वो कभी भी कुछ भी न्यूज़ दे देते हैं भैया। इसमें बड़े बड़े लोग कमा लेते हैं, हम लोग छोटे आदमी हैं भैया, उसमें पिस जाते हैं भैया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट की वजह से अगर रियल एस्टेट करेंगे ना, आपका प्रॉपर्टी होगा ना भैया, तो आप अपने आप मैनेज कर सकते हो उसको, 100-150 में ज़्यादा बढ़ा सकते हो, आप रातों रात धीरूभाई अंबानी नहीं बनोगे, वो गारंटी है भैया। लेकिन आपका प्रोग्रेस और आपका नेटवर्थ और आपका एसेट्स एकदम सॉलिड पोर्टफोलियो बनेगा ना भैया। मैं बोलता हूँ, मैंने जो किताब पढ़ा है उसमें वही बोलता है ये रॉबर्ट कियोसाकी, हर साल अगर आपने 1 या 2 प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कीजिए भैया, तो आपका 10-15 सालों में इतना बढ़िया पोर्टफोलियो बन जाएगा, अगर आपने 30 साल से चालू किया 40 साल पे आप आराम से रिटायर हो जाएंगे भैया। और मैं आपको बताता हूँ, ये रियल एस्टेट में सब लोग सोचते हैं भैया हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं, हम लोग कैसे 5 लाख का प्रॉपर्टी ले लेंगे भैया, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं होते हैं भैया, कभी कभी ये सब जुगाड़ करना पड़ता है। मैं बताता हूँ कैसे जुगाड़ करने का, मैं उसको आपको बताता हूँ भैया। एक तो है ना भैया, आपका सेविंग्स एकदम अच्छा सा कीजिए, डोंट वेस्ट योर मनी। और कभी कभी क्या भैया, जैसे आपने 1 लाख का मकान लिया, मैं आपको एक सैंपल देता हूँ, आपके खाते में $5,000 होना चाहिए, तो आपको ये लोग क्या 95,000 का लोन लेता है, बैंक लोन देता है फर्स्ट टाइम होम टायर को बायर को भैया, तो 5,000 का आपको जुगाड़ कैसे भी कर सकते हो, अगर नहीं हुआ तो आगा पाछा करके भी कुछ सेटिंग करके कर लो, क्योंकि अगर आपके पास देवा होगा ना, अगर आपके पास डेप्थ होगा ना भैया, तो यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। मैंने ये सोचा है भैया, ये है ना आपका, एक बार आपका ऐसा फोकस हो जाएगा ना कि मेरे को इतना पैसा हर महीने खर्चा होता है, देखिए मेरा तो इतना सारा प्रॉपर्टी है भैया, कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट से जाता है भैया, तो हमको कितना सब मैनेज करता है, मैं आपको वीडियो में अंत में बताऊंगा कि मैं कैसे ये सब फाइनेंस इतना सारा मैनेज करता हूं, मैं आपको सिखाऊंगा, अपना ट्रिक बताऊंगा भैया। लेकिन ये आपको ये सोचना है, अगर आपके सर पे टेंशन होगा ना तो ऑटोमेटिक सब जुगाड़ हो ही जाता है यहाँ पे, अपना बॉडी ऑटोमेटिक ऑटो डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाता है भैया, आपको मालूम पड़ जाएगा, अरे इतनी जॉब से काम नहीं चलेगा, चलो दूसरी जॉब ढूंढ लेते हैं भैया, अरे इतना जॉब से नहीं और कुछ काम करते भैया, कुछ ना कुछ काम करके अभी आपने 5-7 साल मजदूरी कर दिया भैया, यू आर इन योर प्राइम अगर आप है भैया, तो भविष्य में आप ठीक से बैठ सकते हो भैया। अभी आपने यही सोचा कि मैं तो भैया 1 लाख का मकान है मेरे पास, 1 लाख जब इकट्ठा हो गए तब जाके मैं तो मकान लूंगा, क्योंकि बैंक की लोन से मेरे को बहुत डर लगता है भैया, तो आप मकान ले ही नहीं पाएंगे बताओ क्यों भैया, क्योंकि आपके पास जब 1 लाख होंगे तो मकान की कीमत हो जाएगी 2 लाख रुपया भैया। और जैसे जैसे टाइम होता है भैया, मैं आपको इन्फ्लेशन की एक सीधी सादी सरल भाषा में, इन्फ्लेशन गुजराती में फुगावा बोलते हैं भैया, उसका मैं आपको सीधा साधा एक आइडिया बताता हूँ भैया। सोच लीजिए कि पैसा का कीमत अभी इतना नहीं है जितना 10 साल पहले था भैया, जैसे कि इंडिया में हमारे 100 रुपये की कीमत कितना था भैया, और अभी कितना है, कुछ भी नहीं है। तो पैसे का कीमत है ना, पर एज द डे इज गोइंग इन्फ्लेशन इज गोइंग हाई एंड पैसे का कीमत कम हो रहा है भैया, और इन्फ्लेशन जब हाई जाता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं जो रियल एस्टेट वाले हैं, बताओ क्यों भैया, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक कमरा है, सोच लीजिए हमारा कमरा है, उसमें 1,000 रुपये हमने 10 लोगों को 100-100 रुपये दिए भैया, ठीक है, इस कमरे में 10 लोग हैं और 10 से 10 लोगों को मैंने 100-100 रुपये करके $1,000 उसको बेच उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भैया। तो ये पहले ये पौधा लेने उसको गए ना भैया पौधा, तो मैं उसको बोलूँगा कि भैया $100 मेरे को उसको ₹50 में बेचना है, तो 100 के 100 ये सब 10 ये 10 ही 10 लोग बोलेंगे मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं उसको ले सकता हूँ ₹50 में। तो अभी मैं बोलूँगा क्या बोलूँगा पता है भैया, सरकार क्या करेगा, अगर उसको मैं 100 की जगह अगर उसको मैं 1,000 1,000 हर लोगों को दे दूंगा भैया, 10,000 यानी कि मैंने 10,000 इस कमरे में बांट दिए, तो मैं क्या करूँगा पता है, इस कमरे में भैया इस प्रॉपर्टी का मैं बोलूँगा मैं अभी 50 में नहीं बेचूंगा भैया, मैं उसको 5,000 में बेचूंगा भैया, तो इन लोगों के पास पैसा नहीं होगा, यानी कि रियल एस्टेट में जो इन्फ्लेशन है भैया, वैल्यू फॉर द मनी गोज डाउन, यानी कि जो आपको जो चीज बेच रहे थे ना भैया उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सब हाई हो जाती है, यानी कि वैल्यू फॉर द मनी गोज डाउन, और उसकी वजह से भैया रेंट भी अब होता है, और एसेट्स जो होती है जैसे कि रियल एस्टेट में जो ये अपना प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू कम नहीं होता भैया, उसका भी वैल्यू एक्सपेंसिव होता ही रहता है, क्योंकि जिस मकान का जैसे कि मेरा 10 ईयर फिक्स लोन है भैया, सही है, तो उसका मेरा बैंक का हफ्ता आता है मान लीजिए 500 पर मंथ मेरा हफ्ता आता है भैया, तो मेरा 500 पर मंथ का हफ्ता वही का वही रहेगा भैया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना भैया, मैं ये अपना अभी किराया मेरा मेरे ख्याल से 1100 में दिया है, मैं उसको अगले ये टेनेंट जैसे निकलेगा मैं उसको 1300 में किराए में डालूंगा भैया, तभी 2-4 सालों में सोच लीजिए भैया, अभी हमारा मेरे ख्याल से $292 कुछ मिलता है हमको उस प्रॉपर्टी पे भैया पर मंथ, आफ्टर ये मॉर्गेज होम इंश्योरेंस
लोन बॉन्ड सब निकाल के $292 हम अपने पॉकेट में डालते हैं। दो साल के बाद भैया हमको 292 के जब 492 डालेंगे भैया, यानी कि जैसे जैसे पैसे का वैल्यू है ना भैया ये कम होता है ना, उसमें जो रियल एस्टेट यानी जो एसेट्स है वो आपकी बढ़ती रहेगी। आप कुछ करेंगे नहीं ना तो भी ऑटोमेटिक आप पैसे वाले बन जाएंगे भैया। अभी मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ कि भैया एजेंट कितना कमीशन लेता है रियल एस्टेट में भैया। तो यहाँ पे एक आपको ये सोच ली कि रियल एस्टेट में जो आपका है ना, आपको एजेंट को एक भी डॉलर का कमीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कमीशन सेलर्स देते हैं भैया, बायर्स को नो कमीशन है। लेकिन ये सोच लीजिए कि जो एजेंट होता है ना भैया वो आपके लिए काम नहीं करता भैया, एजेंट है ना वो हमेशा भैया ये सेलर्स के लिए काम कर सकते हैं। यानी ये मत सोचिए कि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन हर बार दे रहा है, यानी कि डबल चेकिंग, बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर द सेलर और सेलर उसका मालिक है और वो उसको पगार दे रहा है भैया। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है भैया कि एजेंट का कमीशन कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको उसको बराबर डबल चेक करके सब चेक भी करना है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है भैया। तो सातवां क्वेश्चन मेरे को सब पूछ रहे भैया एजेंट क्या नेसेसरी है भैया। तो मैं उसको क्वेश्चन मैं आपको उसका अभी ये कमेंट में पढ़ रहा हूँ दूसरे कंप्यूटर पे भैया, तो मैं आपको उसके भी जवाब देता हूँ भैया। तो आपको ये मकान खरीदने के लिए एजेंट का कोई ज़रूरत है भैया? मेरा खुद का एक्सपीरियंस एक इतना बुरा एक्सपीरियंस है मेरे को भैया, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्यूबेक में ड्यू प्रॉपर्टी हो नहीं तो कीजी चे पे भी बहुत सारे लोग मकान बेचने रखते हैं भैया, और ये सेलर क्यों रखते हैं पता है? ताकि उनको ये एजेंट का पैसा नहीं देना पड़े इसके लिए भैया। तो मैं एक प्रॉपर्टी देखने गया और प्रॉपर्टी में ऐसा लगा था दो गराज है भैया, बहुत बड़ा स्टोरेज है और मकान में एकदम फर्स्ट क्लास है। तो मैंने देखा अरे ये तो एकदम फर्स्ट क्लास है भैया, और मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है भैया सब डॉक्यूमेंट चेक करने का, मेरे को मालूम पड़ जाए कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है भैया। अभी इतना एक्सपीरियंस तो हो गया फ्रेंच इंग्लिश में कोई भी भाषा में है भैया। तो मैंने ये प्रॉपर्टी के सब डॉक्यूमेंट चेक किए तो मेरे को ठीक ही लगा, लेकिन मैंने उसका म्यूनिसिपालिटी में पूछा तो उसको इसने बोला कि नीचे जो बेसमेंट का स्टोरेज है वो 3 के डिवाइड में आता है भैया। और ये भैया मेरे को बोल रहा था कि ये खुद का स्टोरेज है, तो आई डिड नॉट बिलीव हिम। ओके, और दूसरी चीज़ उसने मेरे को बोला कि मेरे को 2 पार्किंग है। तो प्रॉपर्टी में मैं घूमने गया तो मेरे को मालूम पड़ा कि यहाँ पे ट्रिप्लेक्स था और ट्रिप्लेक्स में तीन लोग हर लोगों का एक एक पार्किंग है, और जो एक स्पेयर पार्किंग था वो विजिटर पार्किंग था भैया। और वो विजिटर पार्किंग में वो भैया ऐसा बोल रहा था कि ये पार्किंग हमारा है, लेकिन वो क्या यहाँ पे कोई विजिटर आता नहीं था, उसके लिए उसकी वाइफ की भी गाड़ी वहाँ पे लगा रखी थी, लेकिन ऑन पेपर भैया वो विजिटर पार्किंग था। और वो भैया मेरे को 2 पार्किंग बटा के बेच रहे थे भैया। तीसरा चीज़ मेरे को क्या लोचा लगा पता है जो यहाँ पे इंडिया में जैसे है ना, पता नहीं होता है कि नहीं होता है ये, लेकिन यहाँ पे 2 नक्शे होते हैं, दो मैप होते हैं प्रॉपर्टी खरीद। जैसे आपने कॉन्डोमिनियम खरीदा तो पूरा कॉन्डोमिनियम का मैप होता है कि इसका इतना इतना स्क्वायर फुट है, और इनसाइड द कॉन्डोमिनियम का भी म्यूनिसिपल अप्रूवल प्लान को उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट द लोकलाइजेशन ऑफ द पार्टी प्रिवाती, उसको जो उसको यानी कि प्राइवेट पार्ट का उसका मैप होता है। तो ये बाइक के पास वो नहीं था क्योंकि उसने ये मकान हराजी में लिया था यानी कि फॉरक्लोजर था। मैंने उसको बताते ये भैया ने क्या किया, मेरे को अपने आप ही बना के भेज दिया। मैंने बोला ऐसा नहीं चलता है भैया, इसको आपको आर्पेंटर अर्जेंटर के पास जाके मकान का नक्शा बना के लाइए मेरे पास, तो उसका होता है $1800। तो भैया बोले तो अभी तो हमसे तो नहीं होगा, और मेरा पूरा डील लफड़े में पड़ गया। फिर मैंने इंस्पेक्शन किया था, सब बारी का भी लफड़ा था, और मेरे को क्या पता भैया हम लोग ऑनेस्ट आदमी है, मेरे को जो भी आदमी को मैं जो माल बेचता हूँ नहीं तो जो खरीदता हूँ भैया, हम लोग को हमेशा उसको रियल एस्टेट में साफ साफ बता के बेचना भैया, कब छुपाएंगे बुपाएंगे उसमें बिजनेस करने में मजा नहीं आया। तो इस प्रॉपर्टी के पीछे मैंने 2 महीने मेहनत किया भैया, मैंने उसका इंस्पेक्शन करवाया, उसका भी खर्चा लगा भैया, मैंने धक्के भी खाए भैया मॉन्ट्रियल से, मेरा दिमाग घूम गया भैया, मतलब बोले ये क्या लफड़ा। और वो मेरे को क्या बता रहा था पता है, एक और मेरे को किस चीज़ पे मेरे को बड़ा गुस्सा आया उस पर, मेरे को ये भाई बोला था कि ये एयरबीएनबी में आता है, और मेरे को ये इनको ऐसा लगा कि मैं अभी कल उस मेरा जन्म कल हुआ है भैया। तो मैंने डायरेक्ट म्यूनिसिपालिटी में फ़ोन किया तो भैया ये एयरबीएनबी में आता है, बोले नहीं ये एयरबीएनबी में नहीं आता है, 2 मकान दूर से एयरबीएनबी का जोन चालू होता है। यहाँ पे क्यूबेक कैनेडा में भैया हर एक चीज़ का जोनिंग होता है, इंडस्ट्रियल का, ये एयरबीएनबी का, रेसिडेंशियल का भैया। तो ये एयरबीएनबी में उसके 2 मकान दूर पे जाता था, आप एयरबीएनबी वहाँ पे कर सकते हो लेकिन इलीगल है भैया, और मेरे को इलीगल काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया। हमारा आई हैव अ बिगर विजन और फॉलो द रूल्स रेगुलेशन, ये मेरा जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को रातों की नींद गंवाने में कोई फायदा नहीं है भैया। तो मैंने ये ड्रिल ड्रॉप कर दिया, लेकिन उसमें मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अपने घंटे का भैया $150 के हिसाब से चलता हूँ भैया। तो इस प्रॉपर्टी के पीछे मैंने करीबन 20 घंटे मेहनत किया होगा भैया, तो मेरा $3000 वहाँ पे गया भैया, इंस्पेक्शन करके किया, और मेरा दिमाग गया और मैंने बोला सोचा भैया प्राइवेट में तो काम ही नहीं करना। मैं तो आपको भी बोलता हूँ भैया, अगर प्राइवेट डील हो ना भैया
तो उसको डबल चेक कीजिए कि सर डॉक्यूमेंट उसके पास सही है कि नहीं है भैया, नंबर वन, क्योंकि यहाँ पे कई डॉक्यूमेंट के बिना भी नोटरी हो जाती है, लेकिन अगर आपने नक्शा बनवाने गए तो उसका आपका $1500 हो जाएगा, तो आपको एडिशनल खर्चा देना पड़ेगा भैया। दूसरा क्या उसके पास ये डॉक्यूमेंट के उसके सब ने टैक्स भरा कि नहीं भरा, ये सब लफड़े होते हैं। मैं तो बोलता हूँ एजेंट रखिए भैया, आपको एज अ बायर आपको कुछ देना भी है नहीं है नंबर वन, लेकिन आपको अपनी होशियारी से नेगोशिएशन बड़ा पावरफुल करना है, और नेगोशिएशन अगर आपको पावरफुल करना है भैया तो उसके लिए आपके पास हमेशा हाथ में 6-7 डील रखिए भैया। मेरी तरह मैं कोई ना कोई डील देखता ही रहता हूँ भैया, और मैं उसको देख रहता हूँ कि कौन सी डील किसको ऑफर करे किसको ऑफर नहीं करे भैया। तो अभी बहुत सारे लोगों ने हमको ये अच्छी अच्छी कमेंट डाली है भैया, कपिल देव भाई है, हमारे सनी भाई है, ये विहार लाद है, जावेद करीम भाई है, ब्रॉन्ज गेमिंग है, करण भाई कुल, बस मजा माचो करण भाई एकदम। तो मैं अभी उसका क्वेश्चन का और आगे देता हूँ भैया कि ये प्राइवेट सेल में मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। मैं तो आपको भी बोलता हूँ भैया, प्राइवेट सेल में इतना मज़ा नहीं आता है। अगर आप ऐसे ऑफिशियली जो रियल्टर के वायर थ्रू जाते हैं वो आपको अच्छा सा प्रोसेस बताता है, और बाय लॉस उसमें कोई छटक बारी नहीं होता भैया, उसमें ही जाना चाहिए भैया। जो नॉर्मल क्वेश्चन सब लोग बताते हैं यहाँ पे कैनेडा में मकान खरीदने का पूरा प्रोसेस कैसा है भैया, देखिए हमारा कुत्ता पीछे आलस खा रहा है, देखा भैया देख रहा है आपको हमारा कुत्ता, उसको बेचारे को बड़ा 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 अच्छा लगता है बाहर घूमने जाने में। एनीवे सो मैं ये मकान खरीदने का आपको मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बताता हूँ भैया। तो स्टेप नंबर वन क्या होता है पता है भाई, मकान खरीदना है तो सबसे पहले आपको मकान विजिट नहीं करना है, सबसे स्टेप नंबर वन सबसे पहले आप बैंक पे जाइए, बैंक के आपको अपना सैलरी का आखिरी 3 स्टेटमेंट दीजिए, आपका इनकम टैक्स का रिपोर्ट, अगर आप नए आए हैं तो भैया अपना इनकम टैक्स नहीं होगा अगले साल से इनकम टैक्स का नहीं, तो 3 सैलरी का स्लिप लीजिए भैया, और आपको क्या चाहिए इनकम टैक्स और सोशल इंश्योरेंस नंबर और आपका कोई भी आईडी, इतना लेके जाएंगे तो वो आपका प्रोफाइल क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे बैंक है ना, बैंक इज़ योर बिगेस्ट फ्रेंड। मैं बोलता हूँ मेरा ग्रोथ क्यों हुआ पता है, क्योंकि मेरे और बैंक के रिलेशन एकदम बढ़िया है भैया, और रिलेशन ये कि चाचा मासा मौसी की रिलेशन नहीं होता भैया कि हमने उसको चाय पिला दी तो आपने हमको चाय पिला दी, उनको मालूम है कि ये भैया का पैसा कहीं पे जाने वाला नहीं है, इनके पास फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट जॉब है और ये बहुत ही सिंसियर आदमी है, हर एक चीज़ इसकी बहुत प्रिसाइसली होती है भैया। तो सबसे स्टेप नंबर वन आप बैंकर के पास जाइए, और मैं तो बोलता हूँ कोई जो आदमी को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है भैया, कोई बूढ़ा हो, मेरे को तो अच्छे बूढ़े लोग बड़े अच्छे लगते हैं भैया, उनके पूरी लाइफ का उनका एक्सपीरियंस, उनको सीधी सीधी सच बात बताइए, नो गेम्स नो नथिंग, मेरे को ये मकान खरीदना है, मेरे पास इतने पैसे हैं बैंक में, इतना बैलेंस है मेरा, टोटल नेटवर्थ यहाँ पे इतना है, इंडिया से अगर तो इंडिया में मेरे पास इतने पैसे होंगे करीब करीब, उसको बताइए कि आपके पास करीब करीब इतने पैसे हैं भैया, तो मेरे को मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं, तो इसका आधा घंटा एक घंटा चेक करके आपको तुरंत बता देंगे कि आपको अभी है ना $1,00,000 का नहीं तो $2,00,000 का हम लोग लोन दे देंगे तुरंत ही भैया। तो ये पेपर आपको ये PDF फॉर्मूला आपको ईमेल में भेजा है, उसको प्रिंट करके अपने साथ खीसे में रखिए भैया। दूसरा नंबर पे वो अगर आपका हो जाए तो स्टेप नंबर टू है इंटरनेट पे जाइए, और रियल्टर नहीं तो सांत्रिस नहीं तो जो वेबसाइट है वहाँ पे सब प्रॉपर्टी देखना शुरू कर दीजिए, और सोचिए कि आपको क्या गोल है आपका, आपको उस प्रॉपर्टी में रहना है फैमिली के साथ कि आपको रेंटल करना है भैया, ऐसा जरूरी नहीं है आपको जो भी प्रॉपर्टी पहला खरीदे उसमें रहना जरूरी है भैया, अगर आप पहली प्रॉपर्टी आपको रेंट पे चढ़वानी है तो आपको 20% ऑलवेज डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप उसमें रहने वाले हैं तो आपको उसको 5% उसका डायमोड पेमेंट करना है। तो स्टेप नंबर टू है भैया इंटरनेट पे उसको सर्च कीजिए भैया कि प्रॉपर्टी कैसे है, मेरी जो दूसरी चैनल है इंडिया वाइल्ड फिल्म पे मैंने उसमें बड़ा अच्छा कैलकुलेटर डाला हुआ है भैया, तो वहाँ पे जाके चेक करिए कि कैश ऑन कैश फ्लो कैप रेट कितना है आपका और आपका कितना आपका प्रॉफिट होता है भैया, ये 3 चीज़ मैं हमेशा चेक करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं जो 3 चीज़ चेक करता हूँ भैया। कैश ऑन कैश फ्लो किसको बोलते हैं बता भैया, उसको ये बोलता है जैसे आपने $5,000 आपने रोके थे, $5,000 पे आपको महीने का कितना कितना पैसा मिल रहा है उसको कैश ऑन कैश बोलते हैं भैया। फिर आपको प्रिंसिपल पे डाउन कितना होता है, यानी हर महीने में जैसे आपने हफ्ता भरा भैया $500, तो $500 ये आपका मॉर्गेज कौन भरेगा, आपका टेनेंट भरेगा भैया, तो उसमें से आपको कितना फ़ायदा वो देखिए। और कैप रेट किसको बोलते हैं भैया, कि आपने 1,00,000 का जैसे लोन लिया तो उस पर आपको कितना पैसा मिल रहा है भैया, और कैप रेट से आपको ओवरऑल मालूम पड़ता है
कि अगर आपने पूरा प्रॉपर्टी कैश में लिया होगा तो आपको कितना पैसा मिलेगा भैया। यानी कि पहला नंबर बैंक का कीजिए भैया, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी का सर्च कर दीजिए और उसको खाली रन कीजिए। हर प्रॉपर्टी विजिट करने जाएंगे तो भैया आप थक जाएंगे, अगर मेरे जैसा होंगे तो भैया। प्रॉपर्टी विजिट कीजिए शुरुआत में 3-4, लेकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ जैसे ही प्रॉपर्टी में जाके इंप्रेस मत हो जाइए कि मेरे को पहली प्रॉपर्टी लेना है उसको खरीद के छोड़ देना है। मैं हर एक लोग को यही बोलता हूँ भैया, बट लोग पता नहीं, आई नेवर अंडरस्टैंड द मेंटालिटी। किसी को भैया टीवी लेना होगा ना तो अमेजोन पे जाके घुस घुस के भैया 5 घंटे तक मजदूरी करेंगे, हमको ये लेना है ये लेना है, इसका मॉडल नंबर, इसमें आवाज़ कैसी सुनाई देती है। लेकिन मकान सोचने के लिए हमने बहुत सारे गोल्ड मेंबरों के साथ काम किया भैया। सभी लोगों को एक हफ्ते में ऐसा लगता है, एक ही हफ्ते में उनको मकान ले लेना है भैया। मकान लेना है ना भैया एकदम शिकारी जैसा काम है, शिकारी जैसा। आपको पेड़ पे जाके भैया राइफल तैयार करके रोक के भैया तैयार बैठना है और सोचना है कब जाके अच्छा सा शिकार आए ना उस पर ही गोली दागनी है भैया। पहले से हर चीज़ पे गोली दागोगे ना तो आपका बम्बू लग जाएगा भैया। यानी कि हमेशा विजिट कीजिए और जस्ट लर्न। और मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी में भैया इमोशनल अटैचमेंट जरा भी न मत रखिए। दिस इज़ द गेम ऑफ द मनी एंड कैलकुलेशन। ओके, विजिट कीजिए, विजिट के बाद आपको अच्छा लगे भैया तो उसको ऑफर दीजिए। ऑफर कहीं अगर आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस नहीं है भैया, आपको ये आइडिया नहीं है, तो आप मेरे को कभी ये दूसरी चैनल पे जाके गोल्ड मेंबरशिप लेंगे ना भैया, आपको मैं उसका $150 चार्ज करते हैं भैया। उसमें मेरे ख्याल से $110 और $120 मिलते हैं। उससे क्या भैया, मैं बोलता हूँ महीने के 2 या 3 बार आप मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन जब आपका डील क्लोज होगा ना भैया तो मैं आपको डेली आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, आई विल मेक श्योर दैट यू आर ओके। सो आपको जितना जरूर होगा उसके हिसाब से आप मेरे से बात कर सकते हो और मैं आपको पूरा का पूरा गाइडेंस दे सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमारे ये गोल्ड मेंबर्स वालों ने कोरोना की पैंडेमिक में इंटरेस्ट रेट लो होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने मकान लिया भैया। आपको मकान लेने का आइडिया है भैया तो मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आई एम अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। मैंने ये सब अपने आप शुरू करके भैया, अपने आप इन्वेस्टमेंट करके मेरे को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि किससे नेगोशिएट करने में कैसे बात करना है। कोई भी आप प्रॉपर्टी देखें मेरे को आधे घंटे में बता दूंगा, उसका पूरा रिसर्च कर दे इसमें पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए, आपको मैं क्लियर बता दूंगा उसका लोकेशन कैसा है, रेंटल में चलेगा कि नहीं चलेगा भैया, इसमें कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी विजिट करने जाएंगे ना भैया तो मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो बना के लाइए, तो आपको वो वीडियो भेजेंगे तो मेरे को थोड़ा अंदाजा आ जाएगा प्रॉपर्टी कैसा भैया। और प्रॉपर्टी खरीदना ऐसा मत गोल रखिए, डोंट गिव योरसेल्फ अ गोल, आई हैव वांट टू बाय प्रॉपर्टी विद इन 1 month, इट डजंट वर्क दैट वे। प्रॉपर्टी खरीदने में भैया अभी आई हैव अ बेटर एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं हमेशा 6-7 डील अपने हाथ पे रहता हूँ, महीने पर हर मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ भैया। लेकिन एज अ न्यू बायर टेक योर टाइम, 1 year, 1 month, 2 month, 3 month, 5 month, 6 month, बाय द गोल्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि आपका पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होना मांगता है भैया। पहला ही एक्सपीरियंस आपका थर्ड क्लास हुआ ना भैया तो आप उस धंधे में कभी आएंगे ही नहीं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस। तो ऑफर दीजिए, अगर आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाए भैया तो फिर उसके बाद इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन में डिपेंड्स कैसा होता है। हम लोग तो अभी मैंने अपना सीख लिया भैया, मैं अभी इतना इंस्पेक्शन नहीं करवाता हूँ बिकॉज आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने फ्लोर इंस्टॉल किया, यहाँ पे हीटर का इंस्टॉल किया भैया। लास्ट वीक मैं किसी को अपने रूफ को इंस्टॉल करना था, उसको मैं हेल्प कर रहा था भैया। और ये सोच लीजिए भैया, ये सब लोग बोलते हैं कि ये भैया बड़ा अच्छा आदमी है, सबको हेल्प कर देता है। ये रूफ इंस्टॉल करना है तो वो भी बोलता है कि मैं कर दूंगा। अगर किसी को फ्लोर इंस्टॉल करना है तो मैं बोला मैं आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मुफ्त में सीखने मिलता है भैया। एक आदमी था, उसने पूरा नया मकान में हीटर इंस्टॉल किया, तो मेरे को लगा ये कितना हार्ड होगा, लेकिन आधे घंटे में मेरे को मालूम पड़ गया भैया ये तो एकदम सरल है भैया। सोच लीजिए यहाँ पे बिना पढ़े लिखे अंगूठा छाप आदमी इसे काम कर सकते हैं भैया। हमारे इंडिया से तो बहुत ही अच्छे अच्छे इंजीनियर डॉक्टर लोग आए हैं भैया, और यूट्यूब यूनिवर्सिटी में सबका सब देखने मिलता है भैया। आप रोना, होम डिपो, कहीं पर भी जाओ तो वहाँ पर लोग अच्छी तरह समझाते हैं भैया आपको कि इसके बाद ये इक्विपमेंट ले जाइए और आप सब कर सकते हैं भैया। अगर आपके पास टूल्स नहीं हो ना भैया, टूल्स नहीं हो अगर आपके पास, तो मैं क्या करता हूँ, फेसबुक में फ्री 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 मार्केट है भैया, फेसबुक में फ्री स्टफ, उसमें जाके सबका टूल का कलेक्शन कीजिए। अगर आपके पास गराज हो तो भैया सब टूल को बिल्डिंग कीजिए। अगर आपके पास कोई बड़ा टूल चाहिए, जैसे कि मेरे को अभी ये सेंडर चाहिए, एक अपार्टमेंट मैंने आखिरी अपार्टमेंट लिया ना भैया, अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा होगा तो मैंने अभी एक 155 में अपार्टमेंट उसका डील क्लोज किया भैया। उसका नोटरी मेरे ख्याल से 26 को है और 1 सितंबर को मैं उसमें फ्लोर इंस्टॉल करने वाला हूँ। पूरा का पूरा कारपेट उसमें से निकाल दूंगा भैया, फ्लोर को मैं सैंड करूंगा, सैंड के बाद उसमें मैं फ्लोटिंग फ्लोर उसमें डाल दूंगा भैया। और कौन करेगा,
मैं अकेला भैया पूरी नाइट जाके, एक या दो नाइट जाके पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा भैया। मैंने उसका लेबर का मेरे को पूछा ना, मेरे को कहा लेबर, उसने 5 या 6 हज़ार डॉलर मेरे को लेबर के बताया भैया। उसमें भी कितना लफड़ा, वो मेरे को ये समझाएगा ना वो समझाएगा, उसकी बक बक सुनने के लिए ये न वो करने का। मैंने क्या किया पता है, अगर आप क्यूबेक में हैं, ऑन्टेरियो में हैं, वैनकूवर में है, तो सिंप्लेक्स कंपनी है, नहीं तो डिक्रेड, डिक्रेड ऐसी 2-3 कंपनियां जो इक्विपमेंट आपको रेंट पे देती है भैया, बड़े से बड़े इक्विपमेंट भैया। तो मी मैं एक वुड सेंडर लाने वाला हूँ। सेंडर क्या होता है पता है भैया, कि ये ऐसा एक मशीन होता है, आपको है पूरा पूरा फ्लोर ऐसा ऐसे चल के आपको सेंड कर देने का, तो मैं फ्लोर को सेंड कर दूंगा, उसको पूरा से पूरा उसका वैक्यूम सक कर दूंगा भैया, उसको मॉप यानी कि अच्छा सा क्लीन कर दूंगा। उसके बाद है ना भैया, मैं उस पर वुडन का फ्लोर उसको सेट कर दूंगा ये प्लास्टिक डाल के भैया। एकदम सरल चीज़ है भैया, उसके लिए कोई हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आपको कटर चाहिए भैया, थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए और ये मेजर टेप चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है भैया। तो ये है ना भैया, आपको ये सब सीखना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ, अगर आप क्यूबेक सिटी में हो और आपको काम करने की इच्छा है, आपको कुछ सीखने का इच्छा है, तो मेरे को बताना भैया। तो मेरा कोई भी रिनोवेशन का काम होगा ना, मैं आपको बताऊँगा कि आइए भैया मेरे साथ सीखने, मैं आपको एकदम ट्रेन कर दूंगा भैया। क्योंकि ये भी हमने ना अपने आप ही सब सीखा भैया, इसके लिए ये YouTube यूनिवर्सिटी में भैया आपको ये रिनोवेशन के लिए, अगर आप हर चीज़ के लिए आदमी बुलाएंगे ना भैया, तो यहाँ पे कमा नहीं पाएंगे। यह इंडिया नहीं है, इंडिया में क्या प्लम्बर, इंडिया में भी अभी महंगा हो गया भैया। प्लम्बर आएगा तो क्या 500 हज़ार से कम लेगा भैया? यहाँ पे प्लम्बर का चार्ज $86 है। मैं एक ही चीज़ के लिए भैया ये आदमी बताता हूँ, इलेक्ट्रिशियन के लिए, क्यों उसके लिए चाहिए ही चाहिए आदमी भैया, क्योंकि उसमें अपने को मालूम नहीं पड़ता और कुछ गलती हो जाएंगे भैया, किसी पूरा मकान को फाड़ डाल देंगे भैया। तो उसके लिए प्लम्बिंग में लॉट्स ऑफ कॉमन सेंस और फॉलो द रूल्स, भगवान के हिसाब से अभी हमारा सही चल रहा है भैया, कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये इतना नॉट अ कॉम्प्लिकेट, कुछ भी छोटा मोटा इश्यू हो जाए भैया, हर चीज़ के लिए इक्विपमेंट मिलते हैं, डोंट वरी भैया। मेरे को ऐसा लग रहा था अरे इसमें इतनी बड़ी, अभी मैंने 15 इंच इतनी बड़ी लीवाल में बड़ा सा होल डालना था भैया, ये ड्रायर का आउटलेट के लिए। मेरे को इतना बड़ा डर लग रहा था, मैं मशीन लाया सिंप्लेक्स में से, होल डाल दिया भैया, और सीमेंट का प्लास्टरिंग तो कितना ईजी है मालूम है ना भैया, अपने इंडिया में सब करते भैया, प्लास्टरिंग करके चकाचक काम कर दिया। सबको लगता है यार ये आदमी कैसा, इसको सब आता है, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं खुद भी नर्वस ही होता हूँ भैया, इसके लिए इट्स नॉट हार्ड। तो पहला बैंक है, दूसरा आपने इंटरनेट पे सब चेक करना है, तीसरा विजिट करना है, फिर ऑफर देना है, फिर इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन अगर आपका क्लीन हो जाए भैया, तब जाके अब जब भी मेरा अभी इंस्पेक्शन क्लीन हो गया, तो मैं बताता हूँ अभी मैं क्या रहा हूँ। तो मेरा पूरा टीम रेडी टू गो है भैया, मेरा नोटरी का टीम है, वो है वही के वही नोटरी के पास जाता हूँ, उसको मेरे को कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, उसको मेरे को मालूम है कि भैया को काम काज एकदम प्रिसाइस ही है। मेरा नोटरी वाला रेडी है, बैंक में जो मैडम है वो मेरी वही की वही मैडम, उनको मालूम है कैसा है। मैं तो 4 लोगों को मैं हर एक ईमेल में सीसी करता हूँ, मैं ईमेल में जो सीसी करता हूँ उसमें अपने एजेंट को सीसी करता हूँ भैया, अपने नोटरी को सीसी करता हूँ भैया, अपने बैंक वाली मैडम को सीसी करता हूँ भैया, और अपने ये रियल एस्टेट एजेंट को मैं ये इंस्पेक्टर वाले भाइया को मैं ये सीसी करता हूँ भैया, यानी चारों को मैं सेम पेज पे ही डालता हूँ भैया, ठीक है। तो बैंक में जाइए और उसको बताइए कि हमारा इंस्पेक्शन पास हो गया, आप हमको दूसरा लेटर देंगे, आपको बैंक विल गिव यू अनदर फाइनल लेटर ऑफ अप्रूवल, और ये अप्रूवल आपको फिर से ये सेलर को नहीं तो रियल एस्टेट एजेंट को देना है, उसको बताना है कि हमने जो दो कंडीशन रखा था, एक तो इंस्पेक्शन का भैया और एक तो ये बैंक का, तो दोनों का दंड कंडीशन हमारा ओके हो गया भैया, तो अभी हमारे ये मकान करने के लिए फाइनल है भैया। तो बैंक अगर आप ये लेटर अपने रियल एस्टेट एजेंट को दिया, तो वो आपको एक्यूज द रिसेप्शन यानी एक्नॉलेजमेंट कॉपी देगा, तो आपका सब रेडी टू गो है, आपका मकान आपके नाम पे हो जाएगा, हम खाली नोटरी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। यानी कि ये पूरा का पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा मेरे रियल एस्टेट एजेंट के बीच में, नोटरी के बीच में और बैंक के बीच में, ये चारों के चारे हम लोग साथ में एक साथ ग्रुप बना के काम करते भैया। तो ये नोटरी सब डॉक्यूमेंट चेक कर लेती है और मेरे को नोटरी भैया किसी की नहीं सुनती, क्योंकि उनको मालूम है कि ये भैया मेरे पास ही आता है, नोटरी को सब मालूम होता है। मेरे को अंदर खाने बोलते थे इसमें ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको, उसको बुलाने के लिए बता दीजिए भैया, तो वो नोटरी हमको बता देगी कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो नोटरी डायरेक्ट रियल एस्टेट एजेंट से भी बात करके सबके सब डॉक्यूमेंट रेडी कर देती है भैया। सब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे तो नोटरी वाली बहन हमको फ़ोन करेगी, मैडम है कि भैया आपके सब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, आप कभी भी आए तो साइन कर देना हमको। तो हम लोग क्या जैसे हमारा पजेशन डेट 1 सितंबर है भैया, तो मैं अभी अगले हफ्ते 2 हफ्ते में जाके मैं डॉक्यूमेंट साइन कर दूंगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट रेट कब चालू होगा, जब मेरे को की देंगे ना भैया मकान की, उसी दिन को मेरा इंटरेस्ट रेट चालू होता है भैया, भले बैंक कभी भी ट्रांजैक्शन करे, मेरा इंटरेस्ट रेट तभी चालू होगा जब बैंक
वो बैंक वाले नोटरी के खाते में पैसे डालेंगे भैया, और नोटरी वो पैसा सेलर को देगा, तो उसी दिन को हमारे ये सब चालू होगा भैया। नोटरी हो जाने के बाद आपको चाबी मिल जाएगा, चाबी मिलने के बाद मैं क्या बोलता हूँ बता भैया, म्यूनिसिपालिटी इलेक्ट्रिसिटी, मैं हर एक लोगों को बता देता हूँ, म्यूनिसिपालिटी इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस आपको नोटरी के पहले करवाना पड़ेगा भैया। बिना इंश्योरेंस के आपको कोई चाबी नहीं देगा भैया। कैनेडा में हाउस का इंश्योरेंस है ना भैया, गाड़ी का और हाउस का इंश्योरेंस कंपलसरी, अगर आपका लोन होगा ना मकान पे तो आपको इंश्योरेंस लेना ही लेना है भैया, तो ये जरूरी है भैया। तो उसके बाद आपको आपको अपार्टमेंट का नहीं तो मकान का चाबी मिल जाएगा भैया। और ये चाबी मिलते ही जो है क्या, ऐसे ढीले मत बैठ जाइए, आई वर्क वेरी वेरी प्रिसाइसली, मेरे पास पूरा का पूरा लिस्ट है भैया। मैं ये स्कूल टैक्स वाले को टैक्स कॉलर यानी कि अपने जो मकान जिस एरिया में है भैया वहाँ पे कौन सा स्कूल बोर्ड है उसको फोन करके पूछ लिए, मैं इस मकान का नया मालिक हूँ, उसका मेरा यह है, मेरा नाम पे ट्रांसफर करने का कब होगा, और ये बिल इस नाम पे भेज देना भैया। म्यूनसिपालिटी को फोन करके बता दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी अपने नाम पे करवा दीजिए भैया। और इलेक्ट्रिसिटी में कैसा होता है पता है भैया, जैसे मेरा होता है मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में मेरे पास हाइड्रो क्यूबैक का पूरा मेन डैशबोर्ड है भैया। तो मेरी प्रॉपर्टी होगी ना भैया उसमें, मेरे नाम पे प्रॉपर्टी, मैंने हाइड्रो क्यूबैक के बता दिया, और उसने मेरा पोर्टफोलियो किया है उसमें टेनेंट जैसे रहने जाएगा ना तो टेनेंट के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा भैया, एंड आई कैन नॉट सी हिज इन्फॉर्मेशन। ओके, जैसे ही टेनेंट खाली हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक बिल्स फिर से मेरे नाम पे आना होना चालू हो जाएगा। यानी कि ये सब क्या अच्छा सा डैशबोर्ड का ना, और हाइड्रो क्यूबैक वाले बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज है, हर एक इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपको मालूम, उनको बता देना चाहिए कि भैया मैं रियल एस्टेट का आदमी हूँ, तो वो आपको ऐसा डैशबोर्ड दे देंगी, सबको सब सेट कर देंगी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये सब कैसे काम होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है भैया। अरे ये तो 35 क्वेश्चन अभी तक 9वें क्वेश्चन में पड़े हैं भैया, बहुत ही लंबा हो जाएगा भैया। तभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ भैया, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक भाई पूछ रहे हैं हमारे सनी भाई कि ये स्टूडेंट के लिए कैसा पेसिव इनकम है, तो मैं एक बार पक्का उसका वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं ये जो दूसरा वीडियो है ई कॉमर्स का वीडियो, उसका भी शूटिंग हो रहा है, हो चुका है भैया, 4 और 5 वीडियो में, 4 का हो चुका है, 5वें का आधे में लपड़ा हुआ है, मैं उसको फाइनल करके भी शॉर्ट टाइम में वो कोर्स यहाँ पे इसी चैनल पे आ जाएगा भैया। और ये चैनल अच्छा लगे ना भैया तो उसको थोड़ा व्हाट्सअप पे नहीं तो फेसबुक ने उसको थोड़ा शेयर कर देना, क्योंकि अभी छोटा चैनल है भैया। और मैं ये चैनल पे क्यों इस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ पता है भैया, कि मैं ये सबको सिखाना चाहता हूँ कि आप कहीं पे भी, अगर आप छोटे से घर में भी जन्मे हो, अगर आपकी पढ़ाई भी कम है भैया, तो पढ़ाई ये पैसे कमाने के लिए पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है भैया। यू डोंट हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू डोंट हैव टू बी वेरी एजुकेटेड टू मेक मनी। अगर आप देखिए दुनिया में जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है भैया, उन्होंने हाई स्कूल भी ख़त्म नहीं किया भैया। तो ये पढ़ाई, ये पैसे कमाने के लिए पैसे, ये पढ़ाई करने वाले जो आदमी ना वो तो टाई बांध के किसी की नौकरी करते हैं भैया। अगर आपको सही में अच्छी तरह से पैसे कमाने हैं ना भैया, तो थोड़ा कॉमन सेंस और कोई अच्छा आदमी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसको फॉलो कीजिए। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि मेरा अपना जो ई कॉमर्स का जो मेरा जो रेवेन्यू आता है भैया, स्टॉक मार्केट में तो अभी लफड़ा चल रहा है भैया, रियल एस्टेट का कैसे चल रहा है भैया, तो ये सब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ भैया। तो अभी 10वां क्वेश्चन है भैया कि ये होम रिपेयर इजी है, मैं तो बोलता हूँ इजी है भैया, मेरे को हर बार डर लगता है, मैं हर बार नया काम करता हूँ तो मेरे को लगता है सारा लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता भैया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले को बुलाइए भैया कि हमने लफड़ा कर दिया तो वो आके फिट कर देगा। मेरे को मालूम है हमारे गांव में इंडिया में अगर आपने किसी काम को शुरू किया और उसने ख़त्म नहीं किया ना भैया, तो कोई काम हाथ नहीं छूता। जैसे कि आपने कारपेंटर को बुलाया, उस कारपेंटर ने आधा काम छोड़ के चला गया तो दूसरा कारपेंटर वहाँ पे काम करने नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है भैया, आपने काम किया अगर आपका काम में ठिकान या किसी और को भी हेल्प कर दीजिए। और यहाँ पे देखो यूट्यूब है, कई लोग ऑलरेडी जानते हैं भैया, एकदम एकदम ईजी है, बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं बोलता हूँ भैया मैं 1 घंटे का $150 के हिसाब से अपना 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 रेवेन्यू लेके कर मिनिमम इतना मेरे को मिलना चाहिए उसके हिसाब से चलता हूँ भैया। मैं 1 नाइट या 1.5 नाइट में पूरा का पूरा 4 इंस्टॉल कर दूंगा भैया, यानी कि मेरे को 5-6 हज़ार का ऐसा अपने आप ही काम कर दूंगा। लेकिन काम से ज़्यादा क्या पता है, आई विल लर्न हाउ टू डू इट। सो अगर फ्यूचर में कोई बड़ा सा फ्लोर कोई इंस्टॉल कर रहा है भैया मेरे को, तो मेरे को मालूम पड़ा कि इसमें एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है भैया। एंड मोर यू लर्न मोर यू अर्न, दैट्स अ बेसिक प्रोसेस। क्योंकि ये रियल एस्टेट का धंधा है, ये टाइट कोई कोट का बिजनेस ठीक है भैया, लेकिन इसमें हाथ आपको यानी जमीन में जाके आपको सब काम करना पड़ता है, इसमें यू कैन नॉट जस्ट सीट एंड मेक मनी फ्रॉम देयर। ये इंडिया जैसा काम नहीं है भैया, इंडिया में क्या कलर वाला कलर करता है भैया, ये सब काम करता है, यहाँ पे ऐसा नहीं। मैं सब काम मैं भी करता भैया, टॉयलेट का उसका है ना, मैं इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में टॉयलेट भी लीक हो रहा है, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा
मैं उसका वीडियो जग पक्का बनाऊंगा। इसका जो टॉयलेट सीट है ना, वहाँ पर नीचे से लीक हो रहा है भैया। तो मैंने उसको यूट्यूब में देखा, भैया एकदम सरल है, आधे घंटा का प्रोसेस है, खाली सील चेंज करना है। मैं पूरा का पूरा टॉयलेट को उठा दूंगा भैया, खाली चार बोल्ट खोलेंगे तो पूरा टॉयलेट निकल जाता है भैया, उसका पानी बानी जो ये स्पंज है सब सक कर लेने का, फिर जाके उसमें से रिंग चेंज कर देने का, फिर उसको टॉयलेट को बिठा देने का भैया। मैं आपको कॉन्फिडेंस क्यों देता हूँ पता है भैया? नंबर वन, अभी हमारा एक और मैसेज आ रहा है, देखिए देखिए हमारा टेनेंट का मैसेज आ रहा है फ्रेंच में, देखा भैया? देखिए भैया मैसेज चालू का चालू रहता है फ्रेंच में, यहाँ पे पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हमारा फ्रेंच में होता है भैया। तो ये रिपेयर एकदम ईजी है भैया, आपको नर्वस नहीं होना है, टूल सब मिलते हैं भैया, थोड़ा प्रोसेस कीजिए। किसी को भी ऐसे फालतू फोकर में पैसे मत दीजिए भैया। मैं कोई कोई चीज़ के लिए पैसे देता हूँ, जैसे विंडो इंस्टॉल करना ना अपना काम नहीं है भैया, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, वो ठीक है भैया। बाकी फ्लोर का होल बोल ये सब करना एकदम आराम का काम भैया। क्वेश्चन नंबर 11 भैया, आपको टेनेंट कैसे ढूंढते हो भैया? टेनेंट ढूंढना यहाँ पे हमको भी बहुत डर लग रहा था, सरुम ने हमने मकान लिया था भैया, हम सोच रहे थे भैया अगर मकान में किराया नहीं मिल रहा तो हफ्ते हमारा नाम पे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये प्रॉपर्टी हमने खरीदा भी नहीं भैया, हमने उसको लिस्टिंग कर दिया ऑलरेडी रेंट के लिए भैया। अभी मेरा पूरा सेटअप हो चुका है भैया, कैसा करता हूँ, मैंने प्रॉपर्टी के जैसे मेरा ऑफर एक्सेप्ट हुआ भैया, ऑफर एक्सेप्ट होता है तभी मैं इंस्पेक्शन ढगले ढगला फोटा खींच लेता हूँ भैया, और उसको KGB फेसबुक मार्केट, मेरा एक रेंटल एजेंट है मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो मेरे लिए सबका सब मेरी सब प्रॉपर्टी वही मैनेज करता है भैया, क्योंकि आई कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग। वो मेरा जो आदमी है ना वो क्या करता है, उसके पास 3D कैमरा है, वो 3D कैमरा पे आके पूरा का पूरा फोटा लगा के एकदम हाई स्कोर उसको ब्लरी ब्लरी करके चकाचक फोटा बना के अपनी वेबसाइट पे चला देता है भैया। यानी मैं तीन या चार अलग अलग टाइप से भैया करता हूँ, और मैं फॉरेन यहाँ पे फ्रांस के, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्यूबेक में आते हैं, तो फ्रांस की भी दो वेबसाइट है, मैं उसकी वेबसाइट में भी डालता हूँ। यानी कि हर एक क्या मेरे को एक या दो दिन में उसका निकाल कर देता हूँ भैया। और मैंने बोला पहले भैया, मैं हमेशा हायर प्राइस पर रेंट करता हूँ भैया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू चेक फॉर द टेनेंट, तो उसके लिए मैंने बड़ा अच्छा सा वीडियो बनाया है अपने दूसरे चैनल पे इंडिया वाइल्ड फिल्म में, कि टेनेंट को कैसे ढूंढे, क्या क्या चेक करें। उसके लिए मैंने 20 या 25 पॉइंट का पूरा लिस्ट है मेरा एक्सेल का वर्कशीट में, उसको आप उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो वो पूरा का पूरा लिस्ट चेक करेंगे ना आपको पूरा का पूरा मालूम पड़ जाएगा भैया। ये सोच लो टेनेंट आपका कोई सगा वाला नहीं है भैया, टेनेंट आपका एम्प्लॉई है, यानी कि एम्प्लॉय में सब चीज़ चेक करना मांगता है भैया। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मेरा रेंटल बोर्ड है ना उससे, यानी रेजिडो लॉजमा, उससे मेरे पास 1.5 घंटे का मीटिंग हुआ था आखिरी हफ्ते भैया, मैंने उसको सब के सब पूछ लिया भैया। तो वो भाई भी, उसको भी लगा कि ये भैया बहुत बहुत अंदर घुसा हुआ आदमी है। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख के गया था। तो टेनेंट बोर्ड में पूछा हम लोग क्या उसकी क्रेडिट चेक कर सकते हैं, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उसका वर्क रेफरेंस चेक कर सकते हैं भैया, और उसका प्रीवियस लैंडलॉर्ड, यानी कि चार चीज़ आपको जरूर 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 चेक करनी है भैया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक तो क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करनी है भैया, वर्क रेफरेंस चेक करना है भैया, उसका लैंडलॉर्ड का चेक करना है, और उसकी क्रेडिट रेटिंग चेक करनी है। हर कोई आदमी भैया जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं है भैया, फिर कुछ लफड़ा हो जाएगा उससे, ये चेक कीजिए। और आपको डिटेल में और वीडियो चाहिए तो दूसरे चैनल पे लगा हुआ है भैया। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, आप इतना मकान लेते हो भैया तो आपको ये टेंशन नहीं होता, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो क्या करें? अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए भैया तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहाँ पे जाके गोल्ड मेंबर्स बन सकते हैं भैया। अभी गोल्ड मेंबर्स में अभी वेटिंग है भैया, कल ही हमारे एक आदमी, हमारे एक भाई अभी गए, तो अभी मेरे हैं ना भैया, अभी आप गोल्ड मेंबर ज्वाइन मत कीजिए भैया, क्योंकि आई एम ऑलरेडी वेरी वेरी बिजी। ओके, अगर आपको गोल्ड मेंबर चाहिए तो मेरे को खाली ईमेल डाल के बताइए, मेरा ये नंबर है, मेरे को इंटरेस्ट है, और जब रेडी होगा तब मैं आपको सामने से बताऊंगा, क्योंकि पहला महीना मेरे को मालूम नहीं था भैया, बहुत सारे गोल्ड मेंबर आ गया, मेरे को अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता था भैया। And I am the kind of person when I take a responsibility, I like to be there and I like to help you when I'm there. Okay? So, ऐसा नहीं है गोल्ड मेंबर को मैं भैया दो या तीन बार ही मिलूंगा, कई कई बार तो प्रॉपर्टी का फाइनलाइज होता है तो हम लोग भैया दिन में दो बार मिलते हैं, तीन बार मिलते हैं, कभी भी वो मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जिसने ऐसा बोला, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉपर्टी का डील आपका क्लोजिंग का होगा ना उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन आएगा, जब जाके मैं आपको अच्छी सी हेल्प करूँगा भैया। तो गोल्ड मेंबर्स में अगर आपको मकान खरीदने की सोच रहे भैया तो मेरे को ईमेल डाल के बताइए, info@indiawildfilms.com, नहीं तो यहाँ पे कमेंट में भी डाल सकते हैं भैया, तो मैं आपको बताऊंगा जब गोल्ड मेंबरशिप के लिए जगह होगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो
क्वेश्चन नंबर 14 है भी, अगर अगर टेनेंट ने किराया नहीं दिया तो क्या करें, ये मैंने भी पूछा था भैया। अगर टेनेंट किराया नहीं दे तो क्या करें। पहले मेरे को यही इंप्रेशन था कि भैया यहाँ पे अगर टेनेंट अच्छा नहीं कर तो हम लोग फंस गए। मैं बोलता हूँ यहाँ पे कनाडा में इतने बढ़िया लॉज है भैया, रेगुलेशन तो बहुत ही बहुत, ये देश में इसके लिए इसको प्रेम करता हूँ भैया, क्योंकि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन इतने बढ़िया है। अगर आपने टेनेंट ने आपको रेंट नहीं दिया तो 22 दिन के बाद उनको नोटिस दे सकते हो और आपको इजीली उनको एविक्ट भी कर सकते हो भैया। उसको आपका रेंट देना ही पड़ेगा, ऐसी दे या आड़े तीड़े भैया, उसको ही हैज़ टू पे योर रेंट। सो इट डजेंट वर्क दैट वे, ओके, इट्स बाय लॉज। और ये कॉर्ट है भैया, आपको 2 या 3 दिन, ये कॉर्ट अपने अपने ये पता है इंडिया में कैसा होता है, 5-6 साल लग जाता है, ऐसा नहीं है भैया। यहाँ कॉर्ट का निकल बड़ा बड़ हो जाता है, महीने 2 महीने में आपका इलाज हो जाएगा। उसको बोल देंगे ए पैसे दे दो इसको भैया, नहीं दोगे तो उसके सैलरी में से कुछ ना कुछ सेटिंग कर देगा, यानी कि आप दे विल नॉट बी एबल टू मेक फूल आउट ऑफ योर सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ही सपोर्ट करती है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 15 फिर से रिपीट है, डू आई नो हाउ टू रिपेयर। मैं जानता हूँ कि रिपीट मेरे को रिपेयर करना आता है, मेरे को नहीं आता था भैया, मेरे को कुछ भी नहीं आता था पहले, मेरे को मालूम है। मैं जहाँ पे यहाँ पे किराया रहता था तो मैं खिली ठोकता था ना भैया, तो यहाँ पे तो हर जगह पे वो बेसबोर्ड नहीं होता पीछे मेन उसका फाउंडेशन का, तो मैं खिली अंदर पूरा पूरा भुस करके जाता था। उसके बाद मैंने एक मशीन लाया तो उससे मैंने देख लिया कि कहाँ पे उसके पीछे स्टड है भैया, तो उसको वहीं पे उसको डाल सकते हैं। यानी कि मेरे को रिपेयर का नहीं आता, लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया भैया, मैं रिपेयर का थोड़ा अपने आप ही कर सकता हूँ भैया। मैं मेरा ये कंप्यूटर डेड हो रहा है तो मैं उसको एक चार्जर लेके आता हूँ भैया, 1 मिनट हाँ। मैं अपना ये मेरा अभी दूसरा कंप्यूटर है ना, देखिए उसका डेड हो चुका है, उससे मेरे को कमेंट मालूम पड़ता है। हाँ तभी चालू हो गया है। तो अभी अगर वीडियो पसंद आया ना भैया तो ये कृपया करके उसे आप फेसबुक में नहीं तो व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग जुड़ सकते हैं भैया, और ये लोग सीख सकते हैं इसके लिए भैया। व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे ना आप तो और भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं भैया। थोड़े चाय में थोड़ा पानी भी गर्म डाल देते भैया, अभी पानी ठंडा हो गया है, ठीक है। मैं थोड़ा कमेंट, हाँ वेदर बहुत ही बढ़िया है रुपेश भाई, एकदम फर्स्ट क्लास वेदर है आज का। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको अपना कैमरा थोड़ा हिला के दिखाता हूँ, वेदर यहाँ का बहुत ही बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। अपने गार्डन में जाके दिखाता हूँ, देखिए हमारा बैक यार्ड है भैया, पूरा का पूरा वेदर आज बहुत ही बढ़िया है। बाकी यहाँ पे अभी थोड़े ही दिनों में भैया स्नो गिरनी शुरू हो जाएगी, फिर ये पूरा का पूरा चालू हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा शुरू होना शुरू हो गया भैया, लेकिन यहाँ पे स्नो में हमको शुरू शुरू में बहुत ही नर्वसनेस रहती थी भैया, लेकिन यहाँ पे भैया स्नो में भी क्या आप विंटर की एक्टिविटी करेंगे ना तो इट इज़ नॉट टू बैड, आपको पूरा पूरा सेट हो जाता है भैया। तो अभी मैं पानी हमारे चाय का गर्म हो रहा है, तो मैं आपको अगले क्वेश्चन के और जाता हूँ भैया। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना भैया और उसको शेयर करना। तो मकान को कनाडा में बेचना ईजी है क्या? मैं आपको बोलता हूँ मकान, मेरे को अगर आपने अच्छा खरीदूंगा, मैंने देखा है कोई
कोई कोई मकान भैया 3-3 साल पर मार्केट में रहते हैं और उनकी बिकाई नहीं होती है, क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू होगी 150 और वो क्या वो 200-225 में बेचने की कोशिश करेगा, तो उसमें मजा नहीं गया है। इसीलिए बोलता हूँ अगर आपने मकान सस्ते में खरीदा होगा ना भैया, तो आप सस्ते में बेच सकते हो और जल्दी बेच सकते हैं। इसीलिए बोलता हूँ आपको बहुत सारे मकान विजिट करना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए भैया, और बहुत सारे लोगों का ऑफ़र देना है, आपका ऑफ़र रिजेक्ट हो जाए तो होना नहीं चाहिए, लेकिन मकान तो आपको अपने ही भाव से लेना भैया, यानी कि मकान बेचना इजी है लेकिन आपकी प्राइस फेयर होनी मांगती है, क्योंकि इंटरनेट का मार्केट है, यहाँ पे कोई हिडन सीक्रेट नहीं है। हमारे इंडिया में अभी भी क्या प्राइवेट डील्स बहुत होती है भैया, ऑनलाइन कोई सेल होता ही नहीं है, तो आपको मालूम नहीं होता कि यहाँ पे रियली यहाँ पे मकान की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पे भैया मकान कितने में बिका ना वो भी आप जान सकते हो भैया। जो क्यूबेक के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, एक वेबसाइट है रजिस्टर द क्यूबेक, आप वहाँ पे $1 भेजेंगे ना, मैं आपको इसका वेबसाइट देना मांगता हूँ, मेरे पास है यहाँ पे इसका नोटरी का, अरे रजिस्टर द क्यूबेक, मैं उसका वेबसाइट में आपको उस पर वीडियो बनाऊंगा एक बार, तो मेरे को भी नहीं मालूम था भैया। आप हर बार आपको जानना चाहते हो, आपने कोई मकान विजिट किया और आपको जानना चाहते हो कि इस मकान को ये भैया ने कितने में लिया था, तो भैया वहाँ पे जाके आप $1 लेते हैं, हर बार डील चेक करने का $1 लेता है, तो आप जान सकते हो कि प्रिसाइसली वो मकान आपने उन्होंने कितने में लिया था भैया। यानी मकान लेना बेचना यहाँ पे इजी है, लेकिन यू हैव टू बाय चीप एंड यू हैव टू फेयर सेल एट द चीपर प्राइस, बिकॉज इट्स ओपन मार्केट, एवरीबडी नो एग्जैक्टली व्हाट आर द प्राइसेस अराउंड हियर, एंड इट्स नॉट नथिंग हिडन लाइक इन इंडिया, देर इज नो प्राइस दैट पीपल वॉन्ट नो हाउ मच डिड यू बाय और सेल फॉर, सो इट्स ऑलवेज अ मिस्ट्री, बट एट हियर ऑन द अदर साइड इट्स वेरी ओपन मार्केट, सो यू हैव टू बी फेयर। ओके, सो जो क्वेश्चन अगर पैसिव इनकम प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कैसे करें, तो उसके लिए भैया हमने दूसरा चैनल है इंडिया वाइल्ड फिल्म्स, वहाँ पे हमने एक बढ़िया सा वीडियो बनाया है पैसिव इनकम कैलकुलेटर, और उसके डिस्क्रिप्शन में हमने कैलकुलेटर जो एक्सेल का वर्कशीट है भैया वो हमने वहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप ये सब जानकारी ले सकते हैं भैया। मैं आपको बताता हूँ उसका, अगर मेरे पास इस यहाँ पे इस लैपटॉप पे होगा तो वो कैलकुलेटर में हमने बड़ी मेहनत करके बनाया हुआ है भैया, तो उससे क्या आपको पूरा का पूरा सब नंबर डाल देंगे कि टैक्स कितना है, इंश्योरेंस कितना है, मॉर्गेज कितना है, मंथली पेमेंट कितना है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रॉपर्टी ले कि नहीं ले भैया, उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा भैया। मैं बताता हूँ अगर मेरे पास वो यहाँ पे कहीं पे हो तो, एक ही मिनट, मेरे ख्याल से ये वाला नहीं है, एक ही मिनट में शायद ये वाला है CNC, एक ही मिनट। हाँ भैया ऐसा कैलकुलेटर होता है, देखिए मैं आपको इस कंप्यूटर पर बताता भैया, जो हमारे गोल्ड मेंबर्स हैं उनके पास तो सब ये कैलकुलेटर होगा ही भैया, लेकिन मैं अगर आपको चाहिए तो मेरे को बताना, मैं बताऊंगा भैया कि नॉलेज इज अ पावर, मैं आपको नॉलेज हमेशा फ्री में बेचना चाहता हूँ भैया, फ्री में देना चाहता हूँ। तो इस कैलकुलेटर में आपने कितने मकान लिया, कितना टैक्स है, तो ऑटोमेटिक मॉर्गेज भी कैलकुलेट करता है आपने सबने, ये अच्छी तरह मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है भैया, तो आपको मालूम करता है कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, सब आपको ऑटोमेटिक सब कैलकुलेट करके मालूम पड़ जाएगा कि आपका कैश फ्लो कितना है, कैप रेट कितना और आपका मंथली इनकम कितना होगा भैया। भैया जो अगला क्वेश्चन है वो बोला कि विजिटिंग प्रॉपर्टी कर हम लोग क्या चीज़ को देखिए भैया। नंबर वन भैया मैं सबसे सभी लोगों को बोला, अगर आप फैमिली वाले हैं तो कृपया बच्चों को लेके मकान विजिट नहीं करिए भैया, आप कुछ नहीं देख पाएंगे, मकान खरीदना बहुत ही बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है भैया, हर एक मकान को एक या मैक्सिमम 2 बार देख पाएंगे भैया, आप एक के एक मकान को 10 बार देख नहीं पाएंगे छोटा छोटा भैया। तो टिप नंबर वन भैया, अपने बच्चों को घर पे नहीं तो किसी सगा संबंधी वाले को वहाँ पे जाके जो है, ताकि यू कैन वॉच एंड यू कैन फोकस व्हाट आर द लिटिल थिंग्स आर देयर। ओके, और कोई भी मकान आप खरीदने जाए तो डिक्लेरेशन ऑफ सेलर होता है वो पहले से ले लीजिए, पर उसका स्टडी कीजिए मकान खरीदने से, मकान का विजिट करने से पहले, तो आपको उसको प्लस और नेगेटिव पॉइंट पहले से मालूम हो भैया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ पहले मैंने बताया दूसरे वीडियो में, 3 चीज़ देखता हूँ, सबसे पहले रूफ देखता हूँ, रूफ कब बना भैया, रूफ की कीमत, रूफ का यहाँ पे लाइफ होता है भैया 10 साल का लाइफ होता है, उसके बाद क्या अगर आपको ये थोड़ा पंचर बंचर रूफ का आपको पूरा चेंज करने की भी जरूरत नहीं भैया, रूफ को आप पंचर पंचर करके 2-4 साल और चला सकते हैं भैया, खाली पैच रिपेयर करके भैया। तो रूफ चेक करता हूँ, दूसरा नंबर मैं चेक करता हूँ फाउंडेशन चेक करता हूँ भैया, फाउंडेशन में क्रैक हुआ बड़ा सा लफड़ा हुआ तो उसमें मैं नहीं पड़ता हूँ भैया, क्योंकि अगर आपने सस्ते में ले भी लिया ना भैया तो फिर बेचने में लफड़ा पड़ेगा, फिर ये मेरे को मज़ा नहीं आता। तो पहला नंबर रूफ, दूसरा नंबर फाउंडेशन, और तीसरा नंबर भैया सब पंप, और ये वाटर का देखता हूँ उसके नीचे भैया ये फ्लड जोन में है कि नहीं है, क्योंकि फ्लड जोन में अगर आपका मकान होगा तो इसका इंश्योरेंस भी ज़्यादा रहेगा भैया।
मकान आपका ये कोई फ्लॉप यानी स्ट्रीम के पानी के स्ट्रीम के ऊपर से तो नहीं जा रहा, नहीं तो पानी खींचता ही रहेगा। अगर आपका मकान स्ट्रीम के नीचे से जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, लेकिन आपका जो बेसमेंट है ना उसमें रेसिडेंस नहीं बना सकते भैया। रेसिडेंस बनाएंगे तो आपका इंश्योरेंस ज़्यादा रहेगा और आपको बहुत ही टेंशन रहेगा भैया। मैंने काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसी देखी है, अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है अपने लिए भैया कि एक प्रॉपर्टी में कैसा पूरा का पूरा फ्लड होके भैया फेल हो चुका है भैया। अगर आपको स्ट्रीम वाला नहीं तो फ्लड जोन वाला प्रॉपर्टी लेने में रस है, बहुत ही बढ़िया है, तो भैया ऐसी प्रॉपर्टी लीजिए जहाँ पे बेसमेंट में पूरा का पूरा सीमेंट है भैया और वो क्या ज़मीन से इतना अद्धर है, यानी कि 2-3-4-5 फीट अद्धर ऊपर होगा भैया, पानी आए ना तो भी सीमेंट में आके चला जाएगा भैया, आपको मकान को कुछ होगा नहीं भैया। तो ये बड़ी चीज़, ये तीन चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बाकी छोटी छाटी एस्थेटिक चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं। विंडो को मैं देखता हूँ ज़्यादातर कितना खर्चा ये सब, लेकिन ये क्या डिक्लेरेशन ऑफ सेलर में सब लिखा होता है, नहीं तो ये कलर वलर इसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया, ये प्लग पॉइंट है नहीं है उससे आई डोंट रियली केयर एनी मोर, बिकॉज इसके लिए $2,000-5,000 में सब सेटिंग हो जाता है भैया उसका। तो ये सब चीज़ें मैं तीन चीज़ें देखता हूँ, तो रूफ देखता हूँ भैया, फाउंडेशन देखता हूँ भैया, और ये सब पंप इन स्ट्रीम के कौन से जोन में आता है भैया। हाउ मच शुड आई डेयर टू बाय हाउस, मेरे को कितना डेयरिंग करना चाहिए भैया, मेरे पास अगर इतना पैसा है तो कितना, मेरा सैलरी इतना है तो मैं कितना मकान खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मैं अपना बेसिक रूल ऑफ थंब बताता हूँ भैया, अगर आपका सैलरी मैं बताता हूँ $1,000 का आपका आपका सैलरी है पर मंथ $1,000, तो मैं बोलता हूँ 1/3 अगर आप आपका आराम से आप जा सकते हो भैया मॉर्गेज में, नहीं तो प्रॉपर्टी में भैया, 1/3 के बाद आपका पास 1/3 बचेगा ना तो आपका हो सकता है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा 45-50 तक अच्छा प्रॉपर्टी हो तो वहाँ पे जाए भी, तो ओवर डेयरिंग करके 80% आपका मॉर्गेज में चला जाए ऐसा लफड़ा मत करना भैया, नहीं तो आपका प्रॉपर्टी फॉरक्लोज में जाएगा भैया। अगर आपने $1,000,000 का मकान ले लिया, सोचिए तो आपने 5% यानी कि $50,000 कैश दिया और $950,000 का लोन ले लिया भाई, तब उसका हफ्ता ही भैया इतना हैवी ड्यूटी आएगा, तो आपने 1-2 महीने भरे फिर आपका प्रॉपर्टी में आप हफ्ता नहीं भरे जाएंगे, पूरा टेंशन में 25 ईयर्स कहाँ पे जिएंगे भैया, इतना लफड़ा वाला काम करना नहीं है। आप आराम से हफ्ता भर सके ऐसा ही काम करना भैया, थोड़ा प्रॉपर्टी दूर मिले कुछ भी मिले लेकिन उसको ऐसा प्रॉपर्टी करना आपको आपकी रातों की नींद नहीं गंवानी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया डेयरिंग करने का, लेकिन अपने अपने कायदे के हिसाब से अब गिनती करके करने का भैया। क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा गुड लोकेशन किसको बोलते हैं भैया, मैंने अगले अपने दूसरे वीडियो में बताया भैया लोकेशन किसको बोलते हैं, बताया भैया लोकेशन मैं अपने हिसाब से नहीं देखता हूँ, लोकेशन मेरे टेनेंट के लिए कौन सा अच्छा होगा वही मैं देखता हूँ, टेनेंट को कौन सा अच्छा लगता है भैया। एक तो स्कूल पास में होना चाहिए, एकदम पास में नहीं होना चाहिए भैया, एकदम पास में होंगे तो बच्चा बहुत किल्लोल करेंगे, हमारे एक घर हमारा वहाँ पे मकान प्रॉपर्टी हमको मालूम नहीं था, हमने स्कूल के बगल में मकान लिया है भैया, दिमाग का दही होता है, तो ये आपको नहीं लेना है भैया, स्कूल आपका मकान स्कूल के पास में एकदम नहीं होना चाहिए, 5 मिनट वॉकिंग है तो बढ़िया है भैया। हॉस्पिटल बढ़िया सा बड़ा सा जम्बो जेट हॉस्पिटल आपके आस पास में होगा भैया तो वो आपको लेना है, एयरपोर्ट के आस पास में मकान लेने ले मत दीजिए क्योंकि वहाँ पे एरोप्लेन आते जाते रहेंगे, वो टेनेंट वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे भैया। दूसरा चीज़ भैया कोई भी बड़ी बड़ी जॉब है वहाँ पे होटल है कोई इंडस्ट्री है भैया तो वो आपको देखना है, कोई यूनिवर्सिटी, मेरे को तो यूनिवर्सिटी मेरे को गोल्डन लोकेशन लगता है भैया। मैं तो बताता हूँ भैया मैं तो यूनिवर्सिटी के आसपास ही जाता हूँ भैया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के आसपास हमारे 3 लोगों ने यहाँ पे मेरे 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 थ्रू मकान लिए थे और मेरी सभी प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी के पास ही भैया, ये सब मक्खन प्रॉपर्टी बोलते हैं इजी प्रॉपर्टी, उसमें कोई लफड़ा नहीं करने का भैया, मकान लिया दूसरे दिन उसको किराए पे चला देने का, सबका किराया वहाँ पे 1,000 देना है तो आपको 1,200 में देना है भैया, तो भी लोग उसमें आराम से जाएंगे क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्टी होती नहीं है भैया, तो मकान उसको बोलते हैं जो लोकेशन बढ़िया होना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारी जॉब है वहाँ पे जाना है भैया, उसको गुड लोकेशन बोलते हैं। गुड लोकेशन आपके हिसाब से मत देखना भैया, यहाँ पे बहुत अच्छा नदी दिखता है, यहाँ पे पहाड़ी अच्छी है, यहाँ पे बहुत शांति है, गांव से 200 किलोमीटर दूर है भैया, ऐसे में मत लेना नहीं तो फंस जाओगे, कोई मकान खाकर कोई किराए पे जाए नहीं है भैया। क्वेश्चन नंबर 21 भैया मकान को हम लोग किराए पे दे तो भैया फुली फर्निश दे सेमी फर्निश दे अनफर्निश दे भैया, उसका मैं रूल बताता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को ये एक बहन ने पूछा है, मेरे ख्याल से ये टोरेंट वाली बहन है, उन्हें पूछा है मकान हमको फुली फर्निश कह के आप खुले खाली करके दे भैया, मैंने उसका थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है क्योंकि हमारे जो जो आजू बाजू के सब अपार्टमेंट मैन भैया वो सब अनफर्निश मकान देते हैं और मेरी सब प्रॉपर्टी है भैया ये यूनिवर्सिटी के आसपास में भैया,
यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ने आते हैं दूर दूर के, उनके पास कुछ होता नहीं है भैया। वो क्या बोलते हैं, भले $200 किराया जा हो तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन सब रेडी टू गो होना मांगता है भैया। तो इसके लिए भैया मैं तो क्या बोलता हूँ भैया, डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर आपको किसी फैमिली को भैया आप मकान मकान किराए पर देने की सोच रहे हो भैया, तो उसके लिए आपको अनफर्निश होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपने स्टोव कुछ भी नहीं दिया तो उसमें बहुत सा सब अपने घर से लेके आया, तो वहाँ पे टिकेगा भैया फैमिली वाला। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया ये फैमिली वालों को, नहीं तो किसी को भी रेंट पे दे तो रेंट अच्छा सा रखना भैया, सस्ते में करके कर दोगे ना आप अपनी मकान की वैल्यू डाउन करोगे भैया। यहाँ पे 10x नहीं तो 12x ऐसा रूल होता है। मैं रूल कैसे बताता हूँ बता भैया, 8x 10x ऐसे रूल होता है। ये रियल एस्टेट का बुक में मैंने पढ़ा था, ये क्या नाम था उसका, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, उसने मेरा पूरी नींद खोल दी भैया। जैसे कि आपका मकान का किराया आता है $800 भैया, तो आपका मकान का उसको 10x का उस एरिया में 10 का रूल चल रहा, आपकी प्रॉपर्टी की कीमत होगी भैया करीबन करीबन 80,000। अगर वहाँ पे आपका 15x का वैल्यू है तो 15, 18, 120, यानी उसके मकान का वैल्यू किसके उतर कितना रेंट आता है उसके हिसाब से होता है भैया। तो आप जल्दी से जल्दी रेंट करने की कोशिश में, आपने 200-500 की लालच में भैया जल्दी से रेंट कर दिया ना भैया, आपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, सोच लेना। तो मैं बोलता हूँ अगर आपको रेंट करना है तो मार्केट प्राइस से नहीं तो थोड़े से हायर प्राइस पे देखना, क्योंकि वहाँ पे टेनेंट 5 साल 7 तक रहने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूँ भैया। तो मकान में अगर आप रेंटिंग करने हो तो अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं तो जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे फुली फर्निश दीजिए और रेंट हायर दे सकते हैं भैया, इंटरनेट इंटरनेट सब दे दीजिए उसको। नहीं तो कोई अगर आपका आउट ऑफ एरिया में है भैया तो उसको अनफर्निश दीजिए भैया। तो अनफर्निश में क्या फैमिली वाले आएंगे भैया, उसमें फैमिली वाले में फ़ायदा क्या होता है बताया भैया, सही में आपको एक बार प्रॉपर्टी दे 5 साल 7 साल आप उस प्रॉपर्टी के बारे में भूल जाइए, आपके हफ्ते ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे और वो जब खाली करेगा ना तो मकान की वैल्यू बढ़ा के आपको दे के जाएगा भैया। लेकिन आपको टेनेंट A1 ढूंढना है और रेंट एकदम फर्स्ट क्लास ढूंढना है। मेरा एक जो अपार्टमेंट था भैया, मैं बताता हूँ, मैं उसको बहुत हार्ड कोर नेगोशिएशन किया और मैं उस बहन को समझाने वाला था कि उसको इसका ऐसा कैलकुलेशन नहीं हुआ था, लेकिन वो बहन थी ना उसने पूरी ज़िंदगी में एक ही प्रॉपर्टी ले रखी थी एंड शी डिड नॉट हैव इन एक्सपीरियंस ऑफ रियल एस्टेट हाउ इट वर्क्स। तो उस मकान की कीमत म्यूनिसिपलिटी मेरे ख्याल से 200,000 थी और उसका रेंट था मेरे ख्याल से करीब 1200-1500, तो उसका कुछ कैश में माइनस में जा रहा था। मैंने बोला उसका 2 लाख तो मैं दूंगा ही नहीं कभी भी। तो उस बहन प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया थी लेकिन उसने बहुत ही चीप रेंटल में दे दी, क्योंकि उसका मकान 1-2 महीना खाली रहा भैया, ये क्रिसमस के टाइम पे उसने मकान लिया होगा तो 2 महीना खाली रहा, तो बहन आ गई टेंशन में और किसी को पहले आया उसको सस्ते में दे दिया भड़ाक से, तो उसमें लोचा हो जाता है। तो हमेशा टेनेंट को यानी रेंट को थोड़ा अच्छा सा रखिए, ताकि क्या भैया आपको अच्छा प्रॉपर्टी का वैल्यू भी थोड़ा बढ़ा रहेगा भैया। क्वेश्चन नंबर 22 है, नोटरी का चार्ज कितना होता है भैया। नोटरी का चार्ज यहाँ पे मेरा 1200 के करीब करीब रहता है, लेकिन भैया ये 1200 लोग के मत चाहिए भैया। यहाँ पे जब आप नोटरी करने जाएंगे तो आपको नोटरी 3-4 चीज़ें चेक करता है। एक तो नंबर 1 भैया म्यूनिसिपल टैक्स, उन्होंने बहन ने ऑलरेडी पहले भैया ने जो जो सैलर है उसने ऑलरेडी भर रखा है, तो आपको उसको डिडक्शन करके आपको नोटरी को वापस देने का, स्कूल टैक्स का आपको वापस करना पड़ेगा, कॉन्डो फीस का आपका सेटिंग करेगा, यानी सब के सब आपका सेटिंग करना पड़ेगा। इसके हिसाब से नोटरी का खर्चा होता है 1200+ टैक्स होता है कुछ डॉक्यूमेंट का, कुछ सेटिंग करने का। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी सभी प्रॉपर्टी का नोटरी का खर्चा करीबन $3,000-4,000 के करीब करीब होता है, डिपेंड्स ऑन डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स एंड इट गोज लाइक दैट। सो क्वेश्चन नंबर 23, आप हाउ डू यू मैनेज द मल्टीपल प्रॉपर्टीज। मैं बताता हूँ भैया, पहली प्रॉपर्टी ली तो इट वॉज ईजी फॉर मी, आई कैन पे द रेंट, आई कैन पे द इंश्योरेंस, आई कैन पे एवरीथिंग, बट नाउ हैविंग दिस मच बिग पोर्टफोलियो भैया आई कैनॉट हैंडल एवरीथिंग। मैं हर महीने ये सोचूंगा कि इसका इंश्योरेंस इसको देना है, मेरे मकान पे कितने सारे इंश्योरेंस है, कितने सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल है भैया, मेरे पास इंटरनेट के मैं 2 या 3 प्रॉपर्टी पे इंटरनेट के बिल भी भेजता हूँ भैया, मॉर्गेज का मैं सब के सब भैया ऑटो पेमेंट पे सेट कर दिया हूँ सब पे सब भैया। मैं बोलता हूँ मेरे घर पे बिल मत भेजियो, क्योंकि बिल भेजते हैं कागज, उनका भी खर्चा होता है मेरा भी खर्चा होता है भैया। हम लोग 2021 में रह रहे हैं, 2021 में मेल की कोई ज़रूरत ही नहीं भैया। अगर आपको ये रियल एस्टेट मार्केट में घुसना है भैया तो थोड़ा तकलीफ पड़ेगा एक आध दिन, लेकिन ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑनलाइन। मैं जो है हाइड्रो क्यूबैक ऑनलाइन, म्यूनिसिपैलिटी ऑनलाइन, कॉन्डो फी ऑनलाइन, सब का सब ऑनलाइन, ऑटो पेमेंट कर दीजिए भैया। और मेरे पास एक अच्छा सा वर्कशीट है, अगर आपको चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट में लिख के बताना भैया। उसमें मैंने भैया इनकम और एक्सपेंस का बड़ा अच्छा सेटअप कर दिया, जैसे कि मेरी प्रॉपर्टी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 99 जी, अगर आपके 15-20 प्रॉपर्टी हो उसके हिसाब से आप उसका कॉलम बजा दीजिए। हर प्रॉपर्टी में हर कौन सी चीज़ किस तारीख को उसका खर्चा, पहली तारीख को उसका इंश्योरेंस चलता है, दूसरी तारीख को उसका
ये खर्चा चलता है, 15 तारीख को इसका इलेक्ट्रिक का बिल, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका पेमेंट कौन सा किस तारीख से आने वाला है भैया। दूसरा एक उसके नीचे और टेबल छोड़ी, उसमें आपको इनकम प्रॉपर्टी कौन कौन सी इनकम आपकी आ रही है, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑलवेज हैव इनफ मनी टू पे ऑल योर बिल्स। सो इसीलिए बोलता हूँ भैया ये मल्टीपल प्रॉपर्टी को आपको मैनेज करना है तो आपको यह चीज़ आपको जरूर सीखना है। आपको एक्सेल वर्कशीट का नॉलेज बहुत जरूर मांगता है भैया। इंडिया में सब लोग क्या पेपर से काम करते रहे थे भैया, अभी ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भैया ये ट्यूटोरियल देख के सीख सकते हो भैया। इट्स नॉट हार्ड, आपके 2-3 घंटे का ट्यूटोरियल देख लें तो वो आप अपने आप से भैया एक्सेल वर्कशीट बना सकते हो, उसके ऑटोमेटिक पेमेंट सेट कर देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा भैया। 24 का क्वेश्चन है भैया, वाई रियल एस्टेट और ये बिटकॉइन और इसमें क्या नहीं पड़ता भैया। मैं तो बोलता हूँ ये क्वेश्चन को मैंने जवाब दे दिया लेकिन फिर से देता हूँ भैया। जैसे जैसे हम लोग ओल्ड होते हैं ना भैया, जब मैं जब जैसे बूढ़ा होगा भैया, रियल एस्टेट में मेरा इक्विटी यानी कि मेरा हप्ता ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं आई ऑलरेडी हैव 20-30-40% ऑफ द हाउस आई ऑलरेडी ओन। जैसे जैसे मैं बूढ़ा होगा भैया मेरा इक्विटी बढ़ता रहेगा, मेरा रेंट बढ़ता रहेगा, कैश ऑन कैश फ्लो बढ़ता रहेगा भैया। और ये सॉलिड इनकम है, इसमें कोई कुछ नो जीरो रिस्क है भैया। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है भैया तो प्रॉपर्टी का वायर तो बढ़ने वाला है। ये बिटकॉइन है, ये स्टॉक मार्केट है भैया, ये भगवान के भरोसे सब चलता है भैया। वो क्या करेगा कैलिफोर्निया में बैठ के आपको यहाँ पे जाके भगवान के बाधा रखने की, अरे मेरा इसका भाव बढ़ जाए भैया। हमने खुद ये गलती किया है भैया, इसीलिए बोलता हूँ भैया स्टॉक मार्केट ये सब ठीक है लेकिन प्ले एज अ प्ले टाइम। मैं ये 5-10-15 हज़ार डालता हूँ भैया लेकिन ये किसके लिए, टाइम पास के लिए भैया। एक ज़माने में मेरे पास इसके इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था, देन आई डिड नॉट हैव अ रियल अंडरस्टैंडिंग हाउ द थिंग्स वर्क्स। तो ये ट्राई टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड जस्ट कीप द लिटिल मनी ऑन द स्टॉक मार्केट बट नॉट टू मच। क्वेश्चन नंबर 25, कैन यू हेल्प मी, बहुत सारे लोग पूछते भैया कि अगर हमको गोल्ड मेंबर बनना है तो आप हमसे पहले एक घंटा बात कर सकते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल भैया, अगर आपने आपको गोल्ड मेंबर बनना है तो आपको मेरे से मेरे वीडियो देख के थोड़ा जजमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेरा इसका पहले का वीडियो देखा होगा ना, आई हैव अ वेरी वेरी बिजी लाइफ, तो आपको मैं एक घंटे का आपसे वैसे ही बात करूंगा भैया। आई डिडंट नो बिफोर सो मेनी टाइम द पीपल जस्ट टॉक टू मी फॉर 35-40 मिनट दे जस्ट डिसअपीयर, दे नेवर कम बैक टू मी। सो नाउ आई एम प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ यू रियली वांट टू हैव एडवाइस, इफ यू आर इन अ बिजनेस ऑफ बाइंग हाउस, बाइंग हाउस एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग डिसीजन, 100, 200, 500,000 डॉलर्स, अगर आप $500,000 मकान में खरीदने की सोच रहे हो भैया तो $150 को इतनी बड़ी बात नहीं है भैया। यू कैन इजीली स्पेंड $150 पर ईयर, इट विल बी व्हाट $1,800 पर ईयर, सो इट्स नॉट अ बिग मनी। इफ़ यू हायर मी फॉर 1 ईयर एंड इफ़ यू बाय 1 or 2 प्रॉपर्टी यू विल बी इन अ गुड हैंड बाय। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भैया अगर आपको मकान खरीदने की सोच रहे हो और आपको ये सीरियस है, टेक अ मेंबरशिप एंड आई वुड सीरियसली गाइड यू एंड गाइड यू वेल विद इन 1 ईयर। My goal is not to help you buy the property. My goal is to educate you. I will teach you how to be smart. So, अगर इसके बाद दूसरी तीसरी चौथी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रॉपर्टी कैसे खरीदते हैं भैया। तो इसके लिए अगर आपको ये बात करने का कोई क्वेश्चन है भैया तो आप गोल्ड मेंबरशिप लीजिए, नहीं तो अगर आपको खाली एक ही बात करना है तो भैया तो व्हाट्सअप कॉल मेरे indiawildfilms.com वहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं भैया। नहीं तो जो $69 का जो सिल्वर मेंबरशिप है वो लेकेंगे तो मेरे साथ एक बार आप बात कर सकते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 26 भैया, फ़ोन नंबर आप व्हाट्सअप नंबर, भैया मैं व्हाट्सअप नंबर किसी को क्यों नहीं देता भैया, पता है पहले भी मैंने दे रखा था, बहुत सारे कॉल आते हैं भैया। सभी गोल्ड मेंबर्स हैं उनके पास मेरे व्हाट्सअप नंबर है भैया, सभी सिल्वर नंबर हैं उनके पास व्हाट्सअप नंबर है, लेकिन आई यूज़ इट एंड देन आई डोंट टेक देयर फोन नंबर्स बिकॉज ये इट्स वन टाइम पेमेंट, सो आई कॉल देम वी शैल शेड्यूल द मीटिंग, बट द गोल्ड मेंबर्स कैन कॉल मी एनी टाइम। सो व्हाट्सअप नंबर आई गिव इट टू द गोल्ड मेंबर्स एंड आई डोंट चेक एवरी ईमेल्स, ओके, समबडी एल्स चेक्स इट फॉर मी। So you have to be careful about that. Now, अगला question है, down payment कितना percentage चाहिए भैया? तो अगर आप first time home buyer होंगे तो 5% down चाहिए भैया, अगर आप second time home पर buyer होंगे तो आपके पास 20% down चाहिए। First time home buyer में अगर आपके पास single और duplex होगा तो आपके पास 5% चाहिए, अगर आपके पास triplex है तो quadruplex होंगे first time home buyer में तो भी आपके पास 10% bank मांगती है भैया। ये 28 नंबर का क्वेश्चन है भैया, फैमिली के बारे में हम बहुत सारे लोग क्वेश्चन बोलते हैं तेजपुर बॉयज फैमिली के बारे में। हाँ भैया, तो मैं फैमिली के बारे में बताता हूँ, चलो मैं उसके ये क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रख के उसको बता। फैमिली हमारा भी है लेकिन भैया क्या है पता है, कई लोग क्या करता है भैया,
ये 5-10 डॉलर के चक्कर में अपने बेटा बेटी धंधे माता जी पिताजी सभी को धंधे पे लगा देते हैं। आपने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर देखे होंगे भैया, अपने माता जी पूरे घर को ही भैया ये सास की कभी बहू जी का ड्रामा बना देते हैं, घर में हर जगह कैमरे लगा देते हैं भैया। एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट, बिकॉज फॉर मी नॉलेज इज अ पावर। ओके, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट एंड आई हैव नो इंटरेस्ट इन शेयरिंग माई पर्सनल लाइफ विद द सोशल मीडिया, एंड इट्स वेरी रॉन्ग फॉर समवन टू डू इट। इमेजिन अगर आपका छोटा बच्चा नहीं तो बच्ची है, उसको तो मालूम भी नहीं है बेचारी को, और आपने उसको यूट्यूब पर लगा दिया, जब उसकी उम्र 18 साल की होगी तो यू कैन नॉट डू समथिंग विदाउट देयर परमिशन। तो अपने छोटे बच्चे को बेचारे को फोटो लगा दिया आपने खाली व्यू बढ़ाने के लिए भैया, तो के व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। सो दैट्स द रीजन आई ट्राई नॉट टू टॉक टू मच अबाउट माई फैमिली। फैमिली इज अ होल डिफरेंट मैटर। जैसे कि आप अपने घर, मैं आपके घर पे कभी भी दरवाजा नॉक करके अंदर घुस जाओगा तो आपको अच्छा लगेगा भैया, दिस इज द सेम थिंग। ये इंटरनेट है ना, बहुत ही बुरा मार्केट है, अगर आप इंडिया में देख रहे हैं भैया। सो आई हैव नो इंटरेस्ट, फॉर मी माई इंटरेस्ट इज जस्ट टू मेक पीपल मोर एजुकेटेड एंड बी ग्रो फ्रॉम द जीरो। इसीलिए भैया अगर आपने मेरा खाने पीने का वीडियो, नहीं तो फैमिली का, आज मैंने क्या क्या बात की अपने घर वाली से भैया, नहीं तो बच्चों से क्या बात किया भैया, ऐसी बात करूँगा तो मैं आपका भी टाइम वेस्ट करूँगा भैया और आपका भी पूरा जीवन। बहुत सारे ऐसे नवरे धंधे वाले बैठे हैं भैया, यू ब्लॉगर्स और ब्लॉगर, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क। वो अपने बीबी और बच्चों के साथ जाते हैं तो पूरे दिन ये कैमरा घुस घुस के ले के चलते हैं। वॉट काइंड ऑफ रिलेशन कैन यू हैव आपके, अगर आपके पास सोच लीजिए आप पूरे दिन ऐसे घर में कैमरा लेके घूमते रहेंगे भैया, तो आपके बीवी और बच्चे के साथ कैसा रिलेशन होगा आपके? आप पूरे दिन ये सोच रहे हैं पिताजी भी क्या आदमी है, पूरे दिन ये हमको, हम कोई थोड़े नाटक के एक्टर है भैया, हम थोड़े कोई ये सिनेमा के आदमी है कि जो हम लोग ये शाहरुख खान है, तो ये कौन सी ये दूसरी एक्ट्रेस है, कोई इंडियन एक्ट्रेस का नाम बताओ भैया, हमको मालूम भी नहीं है, ये जूही चावला, तो ये थोड़ी हम कोई जूही चावला है भैया। तो इसके लिए हम लोग क्या, आई स्टे वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम वेस्टिंग माई टाइम, वेस्टिंग अदर पीपल्स टाइम। आई हैव नो इंटरेस्ट, आई ऑलवेज वॉन्ट टू एजुकेट द पीपल एंड ग्रो एंड मेक मनी, दैट्स माई मेन गोल। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी फेमस, गेटिंग फेमस इज नॉट माई इश्यू, माई इश्यू इज टू मेक मनी एंड हेल्प पीपल टू मेक मनी, दैट्स माई मेन गोल। अगर आपको किसी फैमिली वाले को, किसी और को जाना, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल होगी भैया, सब नवरे पड़े हैं भैया, यहाँ पे ऐसे 5-10-15 डॉलर के ऐसे छोटे से कैमरे ला के ये हाथ में लेके ब्लॉगर बन के घूमेंगे भैया, और ये ब्लॉगर की जिंदगियाँ बिहाइंड द सीन बहुत दुखी होती है, बताइए क्यों भैया। मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर देखे होंगे भैया, उनकी CPM इतनी लो CPM पे काम करते हैं भैया, ये डॉलर 95 के CPM पे काम करते भैया, उनके सब्सक्राइबर होंगे 2.1 मिलियन भैया, और कहीं पे भैया खटारा गाड़ी में घूमते होंगे भैया, और मकान का किराया भी नहीं दे पाएंगे। एंड आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ हिपोक्रेसी, आई बिलीव इन रियलिटी एंड शेयरिंग द नॉलेज, एंड आई डोंट हैव टाइम फॉर इट। ओके, दैट्स द रीजन आई डोंट टॉक टू मच अबाउट द फैमिली, आई एम वेरी सॉरी बट आई जस्ट हैड टू से दिस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट रेट 5 ईयर। ये क्वेश्चन का मैंने पहले भी जवाब दे रखा है, फिक्स 5 ईयर, 10 ईयर वेरिएबल। अगर आप मेरी तरह प्रॉपर ये रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बना के लंबे समय पर रखना चाहते हो, 5-10-15-20 साल तक भैया, यानी कि आपके बाद आपके फैमिली भी उस पर लेयर कर सके भैया, तो ये 5 ईयर नहीं तो 10 ईयर फिक्स रहेंगे भैया। तो उसको क्या पता भैया, शुरुआत में आपको मालूम है एग्जैक्टली मेरा 300 का हफ्ता आता है, मेरे को 500 रेंट आता है, मेरे को 200 का बीच में गाड़ियाँ मिलता है, 200 का मेरे को कमीशन मिलता है, तो दिस इज अ क्लियर विजन, तो उसको फिक्स रेंट बोलते हैं भैया। उसको 5 ईयर के पहले आप बेचेंगे तो बैंक वाले आपको पेनल्टी डालेंगे भैया, तो वो फिक्स रेट उनके लिए, जो वो जो मेरी तरह खाली बाय 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 करना चाहते हैं वो उनके लिए भैया। जो वेरिएबल होते हैं ना, वो किन के लिए होता है पता है भैया, जिन्होंने मकान लिया थोड़ा रिपेयरिंग किया, महीने 2 महीने में उसको बेच दिया, तो उससे क्या आपको इंटरेस्ट रेट लो होता है, लेकिन हर महीने पर फ्लैक्चुएट भी हो सकता है, बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है भैया, ये उनके लिए होता है। वेरिएबल में पनिशमेंट नहीं होता, अगर आपने मकान बेच दिया तो कभी भी बेच सकते हो, फिक्स में भी बेच सकते हो, लेकिन आपने उसमें पनिशमेंट लगता है भैया। क्वेश्चन नंबर 20 है, मकान को खरीदना तो विंटर में खरीदे, समर में खरीदे, कौन से मकान में खरीदा हूँ? मैं पर्सनली भैया है ना भैया, मेरा जो प्रॉपर्टी सब कॉन्डोमिनियम है, मैंने विंटर में भी खरीदा है, समर में भी खरीदा है, लेकिन मेरे को अगर प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी में अच्छा सा चॉइस हो ना भैया, तो मैं समर में ज़्यादा पसंद करूँगा, बिकॉज आई हैव आइडिया, बिकॉज समर में आप प्रॉपर्टी अच्छी तरह देख सकते हो, उसमें ग्राउंड में लैंडस्केपिंग कैसा हुआ है भैया, यहाँ पे लैंडस्केपिंग का भी बहुत ही खर्चा होता है भैया, यहाँ पे आगे हमने थोड़ा घास डलवाया, खाली एक ही दिन पे तीन लोग आए थे भैया घास डालने के, एक ही दिन के $1200 हमने दिए भैया, तो ये लैंडस्केपिंग का भी बड़ा महंगा होता है भैया, तो इसीलिए है ना भैया
ये आपको देख के चलना है। तो समर में ठीक रहता है, लेकिन विंटर में भी अगर आपने अच्छा प्रॉपर्टी दिया, इट्स नॉट अ बिग थिंग यू नो। क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया, मकान खरीदते हैं, मकान जमीन खरीदते हैं, मकान बनवाएंगे। बहुत सारे हम लोग इंडिया से होते हैं, वो यही सोचते हैं कि हम लोग मकान खरीदेंगे भैया, जमीन खरीदेंगे और जमीन खरीद के भैया हम लोग मकान बनाएंगे। तो ये ना उससे भैया कैश फ्लो आपका सही नहीं बैठेगा, बताओ क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे अभी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, मकान का कंस्ट्रक्शन इतना इतना हाई वैल्यू हो गया है भैया, कंस्ट्रक्शन का प्राइस। अपने मकान ले लिया ना भैया, तो आपको उसी एरिया में पुराना मकान मिलेगा ना, वो अच्छा मिलेगा भैया। लेकिन आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे ना, आपको देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन आपका कैश फ्लो बहुत ही कम होगा। क्योंकि सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, आपने कोई मकान 1.5 लाख में लिया पुराना, उसी एरिया में आप मकान ऐसा ही बनाना चाहेंगे तो आपको 4 लाख में बनेगा भैया। मकान आपका न्यू है, लेकिन रेंट दोनों का सेम ही होता है भैया। तो ये 4 लाख में आपको 1500 रेंट देगा, ये 1.5 लाख में आपको 1500 रेंट देगा भैया। यानी कि मकान जमीन खरीद के मकान बनाना भैया, आई डोंट बिलीव इन दिस अनलेस यू आर मल्टी मल्टी मिलियनर, मल्टी मल्टी बिलियनर। आपको 20 फीट ऊंची सीलिंग वाला मकान बनवाना है, भगवान कह रहे हैं हमारा हो जाए एक बार, तो उसके लिए जो मकान कर सकते हैं, जिनके पास 100 एकड़ जमीन है भैया और बड़ी हवेली बनवानी है, तो वो मकान बनवाए तो ठीक है। हमारे जैसे गरीब आदमी को तो भैया मकान बनवाने के लोचे में पड़ना ही नहीं भैया। और मैं बोलता हूँ, यहाँ पे आज तक कैनेडा में ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी कि मकान गिर गया भैया। यहाँ पे 100-100 साल मकान पुराने होते हैं, लेकिन इसके कांस्टेंट मेंटेनेंस करने से मकान अड़िग खम रहते हैं भैया। यानी कि मकान पुराना उससे कुछ मतलब नहीं होता, थोड़ा रिनोवेशन एस्थेटिक करके चला काम चल जाता है भैया। तो मकान खरीद की जमीन खरीद के मकान बनवाने में हम नहीं मानते। अगर आपके पास 15-20 मिलियन डॉलर है तो ठीक है भैया, लेकिन छोटे आदमी के लिए भैया ये तो बहुत लफड़े वाला काम है। इट्स टू मच टाइम एंड इट्स टू एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 31 भैया, रियल एस्टेट में क्या नीच है, क्या चीज़ कम को लेना चाहिए, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स? मैं तो बोलता हूँ आपको वही लेना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा कैश ऑन कैश फ्लो मिल सकता है भैया, और लोकेशन अच्छा है, वही नीच है भैया। क्योंकि अगर आपने डुप्लेक्स ले लिया लेकिन आउट ऑफ एरिया तो कोई मतलब नहीं है भैया। सस्ता, अच्छा और इजीली रेंटेबल, रेंटेबल इज़ द नंबर वन प्रायोरिटी, शुड बी ईजी टू रेंट। अगर आपने किस कोई एरिया में मकान देखा भैया, वहाँ पे ऑलरेडी 10 मकान ऐसे ही खाली पड़े हैं भैया, तो आपका मकान कौन रेंट पे लेगा भैया, सोच लीजिए। तो यू हैव टू नो दैट, गो ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस, ओके, और वहाँ पे हाउसेज फॉर रेंट, उस एरिया में जाके आप उस एरिया में जाके देखिए भैया कि कौन कौन से मकान यहाँ पे रेंट पे रखने के लिए रखे भैया, और कितने फास्ट ये मकान रेंट पे चले जाते भैया, तो आपको उसको लेना भैया। तो क्वेश्चन नंबर 33 है भैया, 32, इंश्योरेंस में मैं कौन सी कंपनी से डील करता हूँ भैया? कई लोग क्या करते, जब मैं भैया गरीब आदमी था तो पहले क्या 5-5 सेंट के लिए भैया हर एक कंपनी को दरवाजे खटखटाता था कि भैया मेरा का ये 32 आता है, मेरा को 31 डॉलर देता हूँ। बट नाउ आई डोंट डू इट बिकॉज जस्ट टू मच ऑफ माई टाइम एंड टेक्स टू मच ऑफ माई एनर्जी। सो व्हाट आई डू नाउ, मेरे पास एक इंश्योरेंस कंपनी है भैया, उसका मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरे को पैसे नहीं देते भैया, स्पॉन्सरशिप नहीं देते। अगर आप गोल्ड मेंबर है तो मैं आपको बता दूंगा मैं कौन सी कंपनी के पास जाता हूँ। लेकिन आज तक हर बैंक का अपना खुद का इंश्योरेंस होता है भैया, केस पॉपुलर का खुद का है, BMO का खुद का है भैया, CIBC का भी मेरे ख्याल से खुद का है भैया, TD का खुद का है, हर एक बैंक का अपना खुद का इंश्योरेंस होता है भैया। वो क्या करता है, जब आपको मॉर्गेज लेते हैं आपको साथ में इंश्योरेंस भी बेचने की कोशिश करेंगे भैया। और वो कैसे आपको लॉलीपॉप देते हैं पता है, लॉलीपॉप वो बोलते हैं अगर आपने हमसे इंश्योरेंस लिया तो मैं आपको भैया $200 का आपको रिफंड दूंगी, लेकिन आपका इंश्योरेंस का प्राइस होगा 50 और 100 डॉलर पर मंथ होगा भैया। मैं तो क्या करता हूँ, मैंने जब पहला प्रॉपर्टी लिया तो अपना गाड़ी का और मकान का इंश्योरेंस मैंने सबसे गांव में सस्ता सस्ता ले लिया भैया। और वहाँ पे एक जो एजेंट है वो मेरे को बड़ी अच्छी तरह जानती है भैया, उसका नाम ले लिया, उसका एक्सटेंशन नंबर मेरे पास है, मैं कोई भी प्रॉपर्टी डालता हूँ तो उसको बता देता हूँ भैया, कुछ मेरे को माथाकूट करने की नहीं दी जरूरत, वो मेरे को बता देती कि मेरे को कैसा चाहिए। उसको मालूम है कि इस भैया को कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला नहीं चाहिए, सबसे सस्ता सबसे अच्छा चाहिए, तो वो मेरे को देती है भैया इसका इतना हुआ तो इसका हिसाब से मैं ले लेता हूँ, और ऑटोमेटिक इंश्योरेंस कट हो जाता है भैया। कितनी सारी प्रॉपर्टी में भैया आई कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग, मैं हर एक चीज़ का इंश्योरेंस में बाहर गेट करूँगा और मेरे पास 10 इंश्योरेंस कंपनी होगी भैया, तो मेरा दिमाग तो ऐसे ही घूम जाएगा भैया। व्हेन यू आर ग्रोइंग इन अ रियल एस्टेट यू हैव टू मेक श्योर यू आर वर्किंग विद द सेम पीपल एंड बैंक इज योर बेस्ट फ्रेंड भैया। बैंक से रिलेशन एकदम टॉप रखिए भैया, इवन 2 सेंट के लिए ले बैंक मत चेंज कीजिए भैया, 2-3 सेंट बढ़े तो बढ़िया, लेकिन बैंक से आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा होना मांगता है भैया, तो ये बहुत जरूरी है भैया। क्वेश्चन नंबर 33 है भैया, तो रिपेयर करवाने के लिए मैं प्राइवेट हैंडीमैन से काम करवाता हूँ तो कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाता हूँ भैया? मैं आपको ये बताता हूँ भैया, यश छोटाई जी हमें क्वेश्चन पूछे, मैं आपका आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब देता हूँ भैया।
जो रिपेयर्स है भैया, मैं ज़्यादातर भैया ना प्राइवेट पे ज़्यादा करवाता हूँ, क्योंकि उससे क्या मेरे को भी आइडिया हो चुका था इसका खर्चा कितना आता है भैया, तो उससे पैसे थोड़े बच जाता है। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं भैया, वो बड़ी सी ट्रक लेके आते हैं, वो उनका खर्चा भी ज़्यादातर होता है भैया, हैवी ड्यूटी है, हर एक चीज़ का घंटे के हिसाब से लगता है भैया। आपका प्राइवेट में काम 600 से होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर आपको 1,000 में काम करेंगे, लेकिन उसका प्लस पॉइंट क्या है बताया भैया, प्राइवेट वाला आपको एक दिन में बोला तो एक दिन में काम आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपने प्राइवेट में काम करवाया था वो बोलेगा एक दिन में, लेकिन एक दिन के 4 दिन भी बन सकते हैं, यानी कि प्राइवेट में आपका सस्ता होगा, लेकिन टाइम लिमिट का आपका इतना प्राइवेट नहीं है। तो मैं तो प्राइवेट में ही काम करवाता हूँ, मेरे 2-3 हैंडीमैन है भैया, मैं हूँ इलेक्ट्रिशियन के लिए, मेरे पास एक बढ़िया सा बंदा है एकदम सस्ता और अच्छा भैया, वो मैं संडे को बुलाऊँ तो भी बिना एक्स्ट्रा चार्ज के आके काम कर जाए भैया, उसको मालूम है एकदम बढ़िया भैया। एक बार बढ़िया से उसको इंडियन खाना खिलाया था हमने, तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया भैया। कभी भी बुलाओ आके, अभी मेरे एक आखिरी प्रॉपर्टी में भैया उसको मैंने वॉशर ड्राई का प्लग वो डलवाना था, संडे को फोन बना, संडे शाम को 5 बजे आके डाल के चला गया भैया। तो ये क्या रिलेशनशिप सब काम करता है, मैं तो प्राइवेट ही काम करवाता हूँ भैया, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को काम देता ही नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, मेरे को कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ भैया? भगवान के दया से भैया हमको इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। जैसे बोलते हैं ना भैया, अगर आप अच्छे तो जग अच्छा, ऐसा होता है। मैनी टाइम्स आई नो द पीपल इज़ नॉट ऑनेस्ट विथ मी, मेरे को मालूम है कि ये बंदा इतना ऑनेस्ट नहीं है भैया, बट यू नो वट, इफ़ आई हैव स्टार्टेड द जॉब आई गेट द जॉब डन एंड आई नेवर कॉल इन दैट, सो दैट्स हाउ आई डू इट। बैड एक्सपीरियंस हुआ है, कई बार हुआ है भैया, लेकिन आई डोंट होल्ड द ग्रचिज। मैनी पीपल डू नो वट हैपन, दे होल्ड द ग्रच एंड दे गेट मैड अबाउट इट एंड दे लूज देयर नेगेटिव एनर्जी। सो वट आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ द लिटिल पोएम आई वॉज रीडिंग अबाउट द चाणक्य, इफ यू नो, इफ यू आर फ्रॉम इंडिया यू मस्ट नो चाणक्य, वट ही इज टेलिंग वेरी वेरी गुड थिंग। इफ यू आर मैड एट समबडी, इफ यू आर अनहैप्पी अबाउट योर कलीग्स और योर फादर योर मदर योर सिस्टर योर ब्रदर एनी बडी, ओके, इफ यू आर मैड अबाउट समबडी, अबाउट योर ससरा सासू एनी बडी एनी बडी, वेन यू आर मैड हु इज लूजिंग द एनर्जी, इट्स यू, बिकॉज इन द नाइट यू आर स्लीपिंग एंड यू आर थिंकिंग बैड अबाउट योर ब्रदर मदर फादर वट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, योर अंकल हु इज नॉट पेइंग यू द रेंट और वट एवर। सो इफ यू आर मैड एट समबडी द वन हु इज गोइंग टू लूज द एनर्जी इट्स यू, क्योंकि अब आप सोच रहे आपको नींद भी नहीं आ रही है, अरे मेरे पड़ोसी ने मेरा ऐसा कर दिया, यानी कि आई एज अ मैच्योर द वन ऑफ द गुड स्किल इज वेन आई मैड एट समथिंग आई लेट इट गो इन 30 सेकंड्स, दैट्स ओके, इट्स नो बिग डील, दैट्स ओके, मूव ऑन। बिकॉज आप देखिए, जो भी बड़े लोग होते हैं ना भैया, उनके जीवन में बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं भैया, दे डोंट क्राई ओवर द लिटिल थिंग, आई डोंट क्राई ओवर द थिंग्स दैट हैपन टू मी इन किंडी गार्डन, दैट्स अ वेरी गुड सेइंग। यानी कि हम लोग जब किंडी गार्डन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्री स्कूल बोलते हैं, जो छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो हमारे हमारे दोस्त ने हमारा नाश्ते का डब्बा छीन लिया भैया, तो अभी मैं उसके लिए थोड़े रोने वाला हूँ, मेरी उम्र चली गई, बात खत्म, धंधा खत्म भैया। इफ समबडी इज डिसऑनेस्ट विथ मी, समबडी इज नॉट नाइस टू मी, समबडी इज नॉट मीन टू मी, आई एम इन सोशल मीडिया, आई गेट डेज एंड डेज, इट हैपन्स टू मी ऑल द टाइम, पीपल टेल मी ऑल काइंड ऑफ बैड वर्ड्स, आई डोंट होल्ड द ग्रचेस, आई नो व्हाट, आई लेट इट गो, दैट्स ओके, नो बिग डील, एनीथिंग हैपन, दैट्स ओके, नो बिग डील। सो सीरियसली, the one of the biggest thing in a real estate as growing as an entrepreneur, you have to let the things go। अगर आप छोटी छोटी बाबतों में ऐसे चोज करेंगे ना, उसने मेरे को ऐसा किया तो मैं उसको ऐसे फिट करूंगा, तो कई कई पता है अपने समाज में भी ऐसे लोग होते हैं, मैंने उसको ऐसा कर दिया, मैंने उसको ऐसा कर दिया, मैं उसको कर दिया, उसके कर दिया में उसका कुछ का ठिकाना कुछ होता ही नहीं भैया। यानी एज अ ग्रोइंग अप, डिड आई हैव अ बैड एक्सपीरियंस इन, यस आई डू हैव अ मैनी बैड एक्सपीरियंस, बट आई डोंट क्राई ओवर इट, दैट्स ओके, आई लूज $500-$600 एंड दैट्स ओके, एंड इवन ही नोज दैट ही मिसट्रीटेड मी, दैट्स ओके, आई नेवर सेड नथिंग, डू यू नो वाई, बिकॉज आई माइट नीड हिम अगेन, इफ इन केस ऑफ इमरजेंसी समथिंग हैपन, इफ नो बडी इज देयर आई माइट कॉल हिम अगेन, कैन यू हेल्प मी प्लीज, सो आई नेवर स्पॉइल माई रिलेशनशिप, नेवर बर्न योर ब्रिजेस, नो इफ यू डोंट लाइक समथिंग बट कट देम लूज, डोंट टॉक टू देम, give them a space, you don't have to be everybody's good friend, you don't have to be in everybody's good book, you don't have to love everybody, no, so just keep a distance, don't call them and keep a space, that's the best way to do it। Question number 34, what type of property should I buy? As I told you in an earlier question, you should buy something, it's a good deal, I always look for make a deal, but it's something, it's good, it's cheap, it's making cash flow and it's easy to rent, लोअर प्राइस एंड जनरेट्स गुड कैश फ्लो, दैट्स अ मेन थिंग। क्वेश्चन नंबर 36 भैया, ये मैं फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, इतना सारा कैसे मैनेज करता हूँ, जॉब ये सब भैया, मेरा पूरा है ना भैया, मैं गूगल ड्राइव में ये सब मैनेज करता हूँ, मेरा पूरा का पूरा गूगल ड्राइव है मेन अकाउंट में भैया, और वहाँ पर मेरा जॉब का एक अलग है भैया,
और ये अपना रियल एस्टेट का अलग है, स्टॉक मार्केट का अलग करता हूँ भैया, ये यूट्यूब का इनकम का अलग करता हूँ। अब मैं एक अपने यूट्यूब में भैया, आई एम नॉट अलाउड इट टू से इट, बट मैं यूट्यूब के लिए स्पेशली भी थोड़ा काम करता हूँ भैया। मैं डायरेक्ट यूट्यूब से साथ बात करता हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने NDA साइन किया हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, यानी कि यूट्यूब में जो जो नई चीज़ें आती है उसके बारे में मेरे को ये लोग ये चेक करवाने मांगते हैं कि अच्छा यूट्यूबर होने की वजह से, जो आई एम अ वेरीफाइड, सो दे ट्रस्ट मी, दे ट्रस्ट द पीपल हु आर मेकिंग एजुकेशनल वीडियोज। सो समटाइम ये यूट्यूब वाले हमको थोड़ा सा और भी काम दे सकते हैं, कैन यू चेक दिस वन एंड दे पे योर मनी, ये उनके बारे में मेरे को पैसे देते हैं। तो ऐसे आई मैनेज एवरीथिंग इन गूगल ड्राइव, और उससे मेरे को क्या, अच्छा जी एक्सेल वर्कशीट बनाने है क्या, आपको 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, लेकिन एक बार बात बन गया भैया, देन यू हैव अ क्लियर विजन कि मेरा इतना पैसा आता है, मेरा इतना पैसा जाता है, आपको यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स इट्स गोइंग ऑन, क्योंकि पेपर में सब ऑटोमेटिक मैनेज करना इट्स वेरी वेरी हार्ड भैया, ये बहुत जरूरी भैया। कि जो 37 वाला क्वेश्चन है, मैं उसको पहले क्वेश्चन का आंसर दूँ कि 25 साल का लोन कब मैं भर पाऊँगा भैया, हम तो थक जाएंगे भैया। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ भैया कि वीडियो अच्छा लगे ना, अभी जो जा रहा था कृपया उसे व्हाट्सअप नहीं तो ये फेसबुक पे ज़रा शेयर कर दीजिए भैया, तो थोड़ा और लोग भी सीख सके भैया, कि ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भैया, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाएंगे आपको, ये आपको कोई ये रियल एस्टेट एजेंट के पास जाएंगे ना, वो तो सेलर है ना भैया, वो सेलर का बंदा है, वो आपको बेचने की कोशिश करेगा। आपके बैंक वाले के पास जाएगा तो वो आपको बैंक वाले से कैसे नेगोशिएट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा भैया, इंश्योरेंस वाले से कैसे बात करना है, रिपेयर वाले से कैसे बात करना है, किन चीज़ का कितना खर्चा आता है, ये सब चीज़ें कोई दिखाता नहीं भैया। मैं ये इस चैनल पे मैं अभी जो अब मैं दूसरा मकान का रिनोवेशन करूंगा, मैं पूरा सबका सब रिनोवेशन के बहुत सारे अपने खुद के सेल्फ रिनोवेशन के आपको वीडियो डालूंगा, आपको सिखाऊंगा भैया कि इंडिया का ये गांव का आदमी आके यहाँ पे भैया कैसे अपने आप फ्लोर डाल सकते हैं, कलर तो हमने बहुत किया है भैया, ये फ्लोर डाल सकते हैं भैया, ये उसका एक विंडो का थोड़ा नीचे का सीलिंग टूट गया वो मेरे को करना है, एक जो शेल्व्स है भैया उसमें ड्रॉ उसको मेरे को शेल्व्स डालने भैया, वॉशर ड्रायर का थोड़ा सेटिंग करना है, उसमें बीच में पार्टीशन डालना है, जो संडास है जो टॉयलेट उसमें से नीचे से लीक होता है भैया, मेरे 6-7 काम करने का मेरा लिस्ट है, मैं सबका सब अपने आप करूँगा भैया। तो मैं ये ऐसी चीज़ है भैया, आपको कोई सिखाएगा नहीं भैया हिंदी में, तो वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके उसे शेयर कर दीजिए भैया, अपने इंडिया में भी क्या कोई देख सके भैया, अगर कनाडा आए ना आए तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन हर देश में यही लॉजिक चलता है भैया, कोई भी काम अपने आप करो उसमें 2 पैसे बचते भैया। अपने अपने इंडिया में क्या ज़्यादातर लोग कैसा करता है, सीमेंट करने बैठ गए तो पड़ोसी बोलेगा अरे ये कंजूस आदमी है भैया, पड़ोसी बोले उससे क्या कुछ मतलब नहीं है भैया, एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू हैव टू पे एवरीथिंग। सो पैसे कैसे बचाएं, श्रम को कैसे छोड़े भैया, ऐसा मैं उसके लिए बताने के लिए ही करता हूँ भैया, तो इसके लिए मैं वीडियो बताऊँ, अच्छा लगे तो इसको शेयर कर लीजिए भैया ताकि और लोग भी देख सके भैया। तो क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन है भैया 25 क्वेश्चन, उसको लोग पूछ रहे भैया इतना लंबा लोन लिया 25 साल का भैया, हमको थक जाएंगे बहुत टेंशन आ जाता है। अरे भैया मेरे ये 25 साल का लोन लिया ना भैया, अगर आप में डेयरिंग नहीं है, अगर आपको बहुत डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है, हम तो नहीं डरते भैया, लेकिन आपको बहुत डर लग रहा है तो आप हर टाइप का इंश्योरेंस लेते भैया। अगर आपका जॉब छूट गया भैया तो आपका हफ्ता कौन भरेगा, बैंक भरेगा, उसका भी इंश्योरेंस है भैया। अगर आप बीमार हो गए, आपका डिसेबिलिटी पे चले गए तो आपका मकान कौन भरेगा, बैंक भर सकता है, उसका भी इंश्योरेंस है। अगर आपको कुछ हो गया भैया तो आपका फैमिली वाले हफ्ता नहीं भर सकते, उसका भी इंश्योरेंस, हर चीज़ का इंश्योरेंस है भैया, तो वो ले सकते हैं भैया। लेकिन आई एम टेलिंग यू इफ़ यू आर इन्वेस्टर ए 25 ईयर लॉन्ग टर्म भैया, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म। अगर आपने अच्छे से कैलकुलेशन सही से बिठाया है ना भैया, आपको मालूम है कि मेरे सब का टैक्स इंश्योरेंस मॉर्गेज मंथली कॉन्डो फी और यूटिलिटी सब खर्चा मेरा टोटल $800 आता है, मकान का किराया 1000 आता है, मेरे को 200 मिलता है भैया सब खराने का, यू कैन नेवर बी रॉन्ग। मैं बोलता हूँ ये भैया इन्वेस्टमेंट करने का प्राइम टाइम है भैया, और हमेशा डर के आगे जीत है भैया। बहुत सारे लोग डरते हैं और सोचते हैं, वीडियो पे वीडियो देखते हैं, ये वीडियो देखा, वो कैलकुलेटर देखा, ये कैलकुलेटर देखा, बट द थिंग इज एज आई वॉज टेलिंग इन अ लास्ट वीडियो, दैट वॉज अ वेरी नाइस बुक दैट आई वॉज रीडिंग, आई फॉरगॉट व्हाट वाज दैट, इज टेलिंग अ वेरी डीप वर्किंग, इसे आपको अगर सक्सेसफुल होना है ना भैया, आपको यू हैव टू ट्रेन, यू हैव टू बी प्रोडक्टिव, यू हैव टू टेक एक्शंस, कुछ करना है जीवन में, चेंज समथिंग, बिकॉज इफ यू विल बी कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, डू द रिसर्च इन एवरीथिंग बट टेक एक्शंस। अगर आपने एक्शन लिया, थोड़ा तकलीफ भी होगा, थोड़ा डिसकम्फर्ट भी होगा भैया, आई एम इन डिसकम्फर्ट नाउ, आई ऑलवेज हैव डिसकम्फर्ट, ओ मे बी नॉट, आई एम ऑलवेज वरी अबाउट सम थिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे भैया यू विल बी ग्रो, यू विल गेट मैच्योर, यू विल फॉल फ्यू टाइम्स, यू विल स्ट्रगल, you will have a stress, maybe you have to look for another job because you cannot pay your mortgage, maybe you have to work 15 hours a day, but that's it,
दैट डजंट चेंज एनीथिंग बिकॉज इफ यू लीव द लाइफ व्हाट आई लीव राइट नाउ इन 5 years or 6 years यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड इन दिस जर्नी व्हाट आई एम देर इज नो लिमिट आई इफ यू सी द डोनाल्ड ट्रम्प और मैनी मैनी बिग बिग इन्वेस्टर भैया देखिए उनके पास कुछ भी नहीं था भैया 5-10-15 साल में मल्टी मिलियनर्स हो गए भैया तो उनके लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं भैया यू हैव टू हैव अ ग्रेड 6 मैथ चाहिए आपको ये रियल एस्टेट कैलकुलेशन खाली ग्रेड 6 मैथ चाहिए थोड़ा डेयरिंग चाहिए और थोड़ी बोलने की कम्युनिकेशन स्किल चाहिए और कैसे किसी से काम निकलवाना चाहिए भैया तो ये बहुत जरूरी है भैया तो अभी मैं आपको थोड़ी एक क्वेश्चन भी देख लेता हूँ भैया आर स्टूडेंट्स अलाउड टू बाय होम इन कैनेडा लाइक यू नो आई एम नॉट श्योर बट आई नो वन थिंग यस छतानी भाई कि जब भी हम मकान का दस्तावेज करवाने जाते हैं तो ये नोटरी हमसे ये जरूर पूछ लेती है कि भाई आप सिटीजन हो कि नहीं हो खाली और वर्क परमिट है शी ऑलवेज आस्क मी आई डोंट नो व्हाई बट आई विल चेक इट एंड आई विल मेक वीडियो अबाउट इट बिकॉज आई नो विथ पीआर यू कैन बाय हाउस मेनी ऑफ माई फ्रेंड आर बाइंग द हाउस वर्क परमिट टू आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्टूडेंट्स आई विल चेक इट आउट और कोई क्वेश्चन तो बताइए भैया नवीन उपाध्याय बहुत सारे मकान लिए भैया नवीन उपाध्याय आप बड़ी अच्छी अच्छी कमेंट डालते हैं बहुत सारे अच्छे मकान लिए भैया और हमने तो देखिए आप देखिए हमारे पुराने वीडियो भी देखिए भैया हम लोग शुरू में भैया एक ही कौड़ी के लिए मोहताज थे भैया तो ये सब हमने सीखा ना भैया ये मैं आपको भी सिखा सकता हूँ भैया इसके लिए कोई आपको ये इंजीनियर या डॉक्टर की डिग्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं भैया इसको स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं भैया कि पैसे से पैसा कैसे बनाए ये वीडियो देखते रहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये बंदा जीरो से आके यहाँ पे पहुँच गया है तो आप भी मेरे वीडियो देख के आप भी ये सब कर सकते हैं भैया ये हर जगह पे ये चीज़ पॉसिबल है भैया इसीलिए भैया मैं बोलता हूँ भैया अगर ये मेरे वीडियो आप हर हो एक के या दो वीडियो देखते रहेंगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि ये बंदा कहाँ से कैसे काम हो सकता है भैया इसके लिए आपको डिसऑनेस्ट होने की किसी का दिल दुखाने की कोई भी करने की जरूरत नहीं है यू जस्ट हैव टू बी प्रोफेशनल भैया और मैं बोलता हूँ आपके ये ग्रोथ के लिए भैया दो चीज़ दैट बादर्ड मी मैनी टाइम एक नंबर वन है भैया एक तो भैया अहंकार पता है बहुत लोगों को अरे मैं तो इससे भी उससे और ये तो पागल भैया इसको तो हिंदी भी नहीं आती ये क्या करता हो भाई एक तो अहंकार इट्स वेरी बैड थिंग और दूसरा अज्ञानता आप कितने मूर्ख है वो आपको ही नहीं मालूम होगा भैया मैनी पीपल थिंक आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बट वाई डोंट यू मेक अ बिलियन डॉलर अ मंथ देन तो फॉर मी आपको आप यू नो थिंक दैट यू नो नथिंग दैट इज अ पीपल दे नो लॉट मोर सो नेवर स्टॉप लर्निंग लर्न फ्रॉम द पीपल हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल डोंट लर्न फ्रॉम द पीपल हु डोंट नो नथिंग गाइज ओके एंड ऑलवेज वेन यू इफ यू आर नॉट श्योर वॉच योर यूट्यूब हिस्ट्री और गूगल हिस्ट्री आपने किसी का खाने का ब्लॉग दिया कैसे ने कैसे पकौड़े बना दिए वो ठीक है भैया लेकिन आपने वही के वही ब्लॉग देखे तो वो आपको बता रहा है कि आप 5 साल के बाद वही के वही ब्लॉग वही के वही पलंग में बैठ के वही 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 टीवी के सामने देख के देख रहे होंगे और 20 साल के बाद भी आप वहीं पे वहीं बैठे होंगे भैया तो उसके लिए बता रहा हूँ कि यूट्यूब की हिस्ट्री आपको बताएगी कि आप 5 के 20 साल के बाद कहाँ पे होंगे भैया आप 20 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे ना आपकी YouTube की हिस्ट्री बताएंगे आपने किसी का टाइम जो कि कोई आदमी जो अपने बारे में बोल रहा है भैया उसके बारे में देख बोल के वही पैसा कमा रहा आपको तो कुछ मिल नहीं रहा भैया आपका टाइम खाली वेस्ट हो रहा भैया और इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ क्या है पता भैया हेल्थ नहीं है क्योंकि हेल्थ का ये आज तक तो ये हृदय का रवाल भी बदल चलता है भैया ये काम भी रिवर हो जाता है भैया हर चीज़ का आपको ये सेट हो जाता है भैया द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट्स इन दिस लाइफ इज़ अ टाइम बिकॉज एक बार टाइम चला गया ना भैया तो टाइम वापस नहीं आता है भैया अगर आपकी उम्र 30, 32, 35 साल की है 10 साल के बाद 40 में आ जाओगे मेरी तरह भैया किसी की नौकरी करते हो नौकरी ही करते रहोगे सब पे गुस्सा ही करते रहोगे सब पे अहंकारी करते रहोगे सब हम सबको बोलेंगे मैं तो सबसे होशियार हूँ भैया ये देखिए कई लोग हमारे होते हैं भैया रिक्शा चलाते होंगे लेकिन उनको तो ऐसा लगता होगा भैया ये दुनिया मेरे हिसाब से चलती है भैया पता है ये कछुआ होता है ना कछुआ वो ट्रैक्टर के नीचे चलता है ना कछुआ को ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर का लोड मैं लेके चल रहा हूँ भैया लेकिन कछुआ को मालूम नहीं होता वो कुछ भी नहीं है भैया तो मैं ना अपने आप को भैया कछुआ की तरह चलता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया में आई ऑलवेज थिंक आई हैव अ लॉट मोर थिंग्स टू लर्न एंड द ओनली वे फॉर यू टू लर्न इज नॉट ऑलवेज स्कूल आप ना भैया यूट्यूब पर किसी को फॉलो कीजिए रीड द बुक्स
रीड द बुक्स एंड इफ यू रीड द बुक्स यू विल हैव योर अंडरस्टैंडिंग विल बी क्लियर एंड यू विल मेक लॉट मोर मनी भैया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। वीडियो अच्छा लगे तो कोई भी फेसबुक नहीं तो व्हाट्सअप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए भैया, तो थोड़ा हमको व्यू मिल जाए क्यों इस चैनल पे भैया। अभी हमारी छोटी सी चैनल है भैया। अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो उसको डिसलाइक करना भैया। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में लिखना भैया, तो अगले वीडियो में मैं फिर से बताऊँगा, ठीक है। तो आपके परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।